hare 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 rama hare rama 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 hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Louder Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare.
Thank you.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, my God.
Jaya Prabhupada, 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 Shrila Prabhupada. Nita Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. क्या विष्णु पाद परमहंस पूज्य आचार्य अष्टोत्र अष्टर्षि श्री श्रीमती दीवान के से श्री भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की इस कौन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से विद होल वर्ल्ड ए श्री भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की क्या विष्णु पाद परमहंस पूज्य आचार्य अष्टोत्र अष्टर्षि श्री श्रीमती दीवान के श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की वाल्मीकि रामायण की नताई गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद टीच ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस रामकथा के दूसरे दिन में। तो अभी हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से जो हमने कल भी पढ़ा था। कल का दिखाइए तो वाल्मीकि रामायण जी का ये मंगलाचरण है जिसमें तो रामायण प्रार्थना है वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर कामिनी पुनाति भवनं पुण्या रामायण महानदी चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैमक्षरं प्रोक्तं महापातक नाशनम्। श्री वाल्मीकि नमस्क्रिया कोजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे बालिक कोकिलम्। श्री हनुमन नमस्क्रिया मनोजवं मारुतुल्य वेग चितेन्द्रियम्
मनोजमं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीराम ध्यानम्। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। तो कल हमने शिला प्रभुपाद जी की असीम कृपा से और आप सब वैष्णवों के आशीर्वाद से हमने बालकंड प्रारंभ किया था और उसके अंत तक पहुँचे थे। और हमने चर्चा की थी किस प्रकार से वाल्मीकि जी को प्रेरणा देते हैं नारद मुनि जी भी और स्वयं ब्रह्मा जी उनको प्रेरणा देते हैं कि रामायण की रचना करें। और ब्रह्मा जी की कृपा से वाल्मीकि जी के हृदय में सारा ज्ञान स्फुरित हो जाता है और ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देके जाते हैं। और हमने देखा कि जब हमारे पास गुरुजनों का आशीर्वाद होता है तो हम सारी अड़चनों को पार कर सकते हैं और उनकी कृपा से सारा का सारा ज्ञान के हृदय में प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी कृति होगी वो त्रुटि रहित होगी, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी और आप जो लिखेंगे वो सत्य साबित होगा। और जब तक इस सृष्टि में पहाड़ हैं, नदियां हैं, रामायण रहेगी और जब तक रामायण रहेगा आपका भी नाम रहेगा। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी की कृपा से वाल्मीकि के हृदय में एक एक रामायण का चरित्र उनके हृदय में स्फुरित हुआ पूरे अपने भावों के साथ। फिर उन्होंने उसको लिखा और फिर उन्होंने सोचा इसका प्रचार कैसे करेंगे, तो किसको चुना, लवकुश को। और फिर लवकुश ने इसका बहुत संगीत में उसका मंचन करते थे। फिर एक दिन ऐसा उनका सौभाग्य जागृत हुआ कि भगवान राम को भी उन्होंने रामायण सुनाई। और फिर हमने बालकंड आगे शुरू किया कैसे अयोध्या का ऐश्वर्य था, इतना ऐश्वर्य होते हुए दशरथ जी बहुत दुखी थे क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। फिर उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के लिए ऋषि सिंह को बुलाया गया। फिर ऋषि सिंह की कथा की हमने संक्षेप में चर्चा की थी। और फिर उस यज्ञ से पायस प्राप्त हुआ, उस खीर को उन्होंने किस प्रकार से अपनी तीन रानियों में बांटा, चार पुत्रों की प्राप्ति हुई, उनका नामकरण हुआ, वशिष्ठ जी ने उनको प्रशिक्षण दिया। और फिर जब 12 साल के हुए तो विश्वामित्र उनको लेकर गए। और विश्वामित्र लेकर गए तो कैसे विश्वामित्र जी से राम जी ने हर स्थान में जाके प्रश्न पूछे, उस स्थान का महत्व पूछा, विश्वामित्र जी ने उस स्थान का महत्व बताया, बीच में ताड़का का वध किया और गंगा की कैसे प्रकट हुई वो बताया। और फिर उन्होंने अंत में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। और जब अहिल्या का उद्धार किया तो अगले दिन सुबह वो मिथिला पहुंच गए थे। तो उनका स्वागत करने के लिए राजा जनक आए और साथ में राजा जनक के उनके मुख्य पुरोहित जिनका नाम था शतानंद। और राजा जनक ने देखा, उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि ये दो सुंदर बालक कौन हैं, बहुत तेजस्वी लग रहे हैं। तो फिर विश्वामित्र जी ने उनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये दशरथ नंदन हैं, राम और लक्ष्मण, और इनको मैं दशरथ जी से निवेदन करके लाया था, मैंने अपने सिद्ध आश्रम यज्ञ पूरा करना था, असुर हमें सता रहे थे, तो उन्होंने सुबाहु का वध किया, मारिच को भगा दिया, बीच में ताड़का का भी वध किया और साथ में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का भी उद्धार किया। जब ये सुना तो गौतम ऋषि के ही पुत्र थे शतानंद, जो कि जनक जी के मुख्य पुरोहित थे, तो बड़े उत्साहित हो गए, बोले क्या कह रहे हैं, हाँ, बोले हाँ, वो मेरी माता दोबारा से प्रकट हो गई, तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम को धन्यवाद दिया और फिर विश्वामित्र को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे राम के दर्शन कराए। और फिर जो शतानंद हैं वो भगवान राम के सामने विश्वामित्र का गुणगान करते हैं कि विश्वामित्र जो भी आपको आप दिखा रहे हैं ये इस रूप में कैसे प्रकट हुए, तो विश्वामित्र जी का इतिहास बताते हैं। विश्वामित्र जी ने अपना इतिहास बीच में सुनाया था, याद है किसी को, कल सुनाया था विश्वामित्र जी ने, उनके पिताजी का क्या नाम था, गधी है ना, गाधी, तो सुनाया था। तो इसके बाद फिर शतानंद विश्वामित्र जी को वर्णन बताते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राजा थे, राजा गांधी के पुत्र थे। और एक बारी अपनी अक्षौणी सेना लेकर वो निकले बाहर और बीच में एक आश्रम में रुके, वो आश्रम था वशिष्ठ मुनि का। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि को थोड़ा आदर देने के लिए उनके आश्रम में चले गए, बड़ा सिंपल सा आश्रम था।
तो विशिष्ट मुझे उनका स्वागत किया और बोला आप यहाँ रुकिए कुछ प्रसाद पाके जाइए। विश्वामित्र ने सोचा अक्षौणी सेना मेरी, ये ऋषि जी क्या प्रसाद खिलाएंगे, थोड़े बहुत कंद मून खिला देंगे, हम सैनिकों का राजसी लोगों का इसे क्या लेने देना। नहीं नहीं ठीक है, नहीं 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 आप लेकर जाइए, आप हमारे अतिथि हैं, बहुत ऐसी जबरदस्ती की ठीक है आप दिल रख लेते हैं बताइए जो देना दीजिए। तभी उन्होंने अपनी गाय को बुलाया, उनकी गाय थी कामधेनु जिसका नाम था सबला। सबला को थोड़ा इशारा ही किया, फर्स्ट क्लास फीस्ट आ गए, छप्पन भोग धर 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 इकट्ठे सारे हो गए और सब सैनिकों ने खूब पाया। तो राजा विश्वामित्र को बड़ा ये हुआ, ये तो कमाल हो गया, एक सेकंड में इतनी फीस्ट आगे बढ़िया, और उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, संत जी क्या रखेंगे इसमें, इनको इतने इसकी क्या जरूरत है, ये सारा ऐश्वर्य तो मेरे पास होना चाहिए। अक्सर कई बार लोग भक्तों को देखते हैं ज्यादा ऐश्वर्य में तो बड़े द्वेष करना शुरू कर देते हैं, ये साधु लोग इतने ऐश्वर्य से कैसे घूमते हैं। एक बार हमने पंजाबी बाग मंदिर में हमने कुछ काउंसिल ने हमारे डिसाइड किया कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो इकट्ठा मंदिर ने 4 स्कॉर्पियो गाड़ी ले ली। ये बात है सन 2011-12 की है ना, उसमें बहुत महंगी गाड़ी होती थी स्कॉर्पियो और चमकती हुई, एक चेरी कलर की थी, एक वाइट कलर की एकदम। तो मैं एक मार्केट में निकला, मैं अकेला ही बैठा हुआ था उसे तो मैं बैठा हुआ था और मैं गाड़ी से निकला वापस, कुछ काम था कहीं गया, वापस आके बैठा तो ड्राइवर ने बताया, बोले आप जब निकले तो एक व्यक्ति स्कूटर में आया, उसने देखा कि एक साधु इतनी बड़ी गाड़ी से निकला है, तो पहले स्कूटर से उसने गाड़ी की परिक्रमा की पूरी। फिर ड्राइवर से पूछा ये क्या है, किसकी गाड़ी है, कौन से सेठ की गाड़ी है, बोले सेठ की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, बोले मंदिर की गाड़ी है, मंदिर की गाड़ी है। उसने गाली दी पंजाबी में अपने आप को, कहते मैं पागल हूँ, टू व्हीलर में घूम रहा हूँ। तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। एक बार शीला प्रभुपाद जी भी मॉर्निंग वॉक में थे, तो मॉर्निंग वॉक करते नदी के तरफ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो एक व्यक्ति था नाविक था, प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को धड़ाधड़ गालियां देनी शुरू कर दी कि आप लोग पैरासाइट हो, मुफ्त का खाते पीते हो, कुछ करते नहीं हो, निठल्ले हो, निखट्टू हो, बोली जा रहा बार बार, बड़े फ्रस्ट्रेशन में। प्रभुपाद चुपचाप सुन रहे हैं। जब उसने पूरा गाली देना बंद किया, प्रभुपाद जी बोला आप क्यों नहीं रहते हमारे बीच में, आपको भी फ्री का खाना मिलेगा मिलेगा, आ जाओ अब भी, और गुस्सा आ गया और गाली देने लगा। प्रभुपाद बोला ये समस्या है, लोग देखते हैं, ये लोग हैरान होते हैं कि भक्त लोग इतने निश्चिंत कैसे घूमते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त लोग निठल्ले हैं, आप जानते हैं कि भक्त लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, रात तक पूरा हम सेवा में लगने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरों को लगता है करते क्या है, खाते पीते हो सोते हैं। तो एनीवे, तो विश्वामित्र जी को भी बड़ा द्वेष हुआ कि ये इतनी अच्छी गाय जो सारी इच्छाओं को पूरा कर दे, इस साधु के पास क्या करेगी। तो उन्होंने विशेष को बोला गाय मुझे दे दो। ऋषि जी ने बोला ये गाय मैं कभी भी नहीं दे सकता। बोले मैं आपको लाखों गाय देता हूँ, और क्या चाहिए आप मांगिए, कितनी पृथ्वी चाहिए, जो धन चाहिए, जो जेवर चाहिए, आभूषण चाहिए, सोना चाहिए, लीजिए, गाय मुझे दे दीजिए। बोले कुछ भी हो जाए आप मुझे लाख गाय भी दे दीजिए, ये गाय मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप जानते नहीं मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, राजा के पास सर्वोत्तम चीज होनी चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। विशेष आप प्रयास कर लीजिए। तो विशेष जो विश्वामित्र हैं उस शबला गाय को खींच कर ले जाने लगे। गाय ने विशेष से कहा मैंने आपकी इतनी सेवा की है, आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। बोले नहीं, मैं ये ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय है और ये अपना क्षत्रिय धर्म दिखा रहा है, तो मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर गाय ने कहा फिर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं। विशेष ने बोला हाँ आप कर सकते हैं। तो गाय ने क्या किया, अपने शरीर से पूरी पूरी सेना उत्पन्न कर दी और उस सेना ने विश्वामित्र की सेना से खूब युद्ध किया। तो विश्वामित्र की सेना ने उस सेना को हरा दिया। तो विश्वामित्र ने बोला चलो अब दोबारा, गाय ने फिर और सेना उत्पन्न कर दी, ये सेना ज्यादा शक्तिशाली थी, सारे के सारे विश्वामित्र की सेना को खत्म कर दिया। विश्वामित्र के पुत्र जाए वशिष्ठ पर आक्रमण करने आए, वशिष्ठ ने जोर से चलाया, सारे के सारे उसके जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई। विश्वामित्र देखकर हैरान हो गया, इतना तेज वहां से भाग गया। उसने सोचा मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, उसने शिव जी की तपस्या की, शिव जी से बड़े बड़े सुंदर दिव्य अस्त्र लिए, उन अस्त्रों के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम पे आक्रमण कर दिया।
वशिष्ठ मुनि के जितने शिष्य थे भागने लगे, वशिष्ठ मुनि रुक जाओ डरो मत। वशिष्ठ मुनि बाहर आए, उनके पास अपना ब्रह्म दंड था, अपने ब्रह्म दंड से सारे के सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने खत्म कर दिए। विश्वामित्र को और क्रोध आया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन वशिष्ठ मुनि के पास ऐसी शिक्षा थी उन्होंने ब्रह्म अस्त्र को भी निरस्त कर दिया। विश्वामित्र बड़े परेशान हो गए, अब क्या करना चाहिए। उन्हें और तपस्या की, ब्रह्मा जी इतनी तपस्या की, ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोला आज से आप राज ऋषि जाना जाएंगे। बोले राज ऋषि से नहीं, मुझे वशिष्ठ की तरह ब्रह्म ऋषि बनना है। और तपस्या करने लगे, तभी वहां पे एक इक्ष्वाकु में उसमें ही एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु। ये राजा बहुत महत्वाकांक्षी था, ये बहुत सुंदर था, इसको अपने देह में बहुत अभिमान था। तो ये सोचता था इतनी सुंदर मेरी देह है, पता नहीं अगले जन्म में मिले ना मिले, इसी देह के साथ में स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए, आप ऐसा यज्ञ कीजिए कि इसी देह में मैं स्वर्ग में चला जाऊँ। वशिष्ठ ने बोला संभव नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध बात मत करो। तो उसके अहंकार को ठेस पहुंची, उसने सोचा बूढ़े हो गए हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मालूम है। तो वशिष्ठ के पुत्रों के पास चले गए कि आप ऐसा यज्ञ कीजिए मुझे स्वर्ग में इसी शरीर में भेज दीजिए। बोला आप पिताजी के पास जाइए। बोले उन्होंने तो मना कर दिया, उनको बड़ा क्रोध आया, तो फिर हमारे पास क्यों आए। तो बोले तुम बहुत अहंकारी व्यक्ति हो, तुमको श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने शरीर का इतना अभिमान है तुम चंडाल बन जाओ। सारा उसकी सुंदरता चली गई, शरीर काला पड़ गया, सारा तेज निकल गया, सारे उल्टे सीधे अंग हो गए। तो बड़ा घबरा गया, मतलब क्या करो। उसको मालूम था कि वशिष्ठ का जो काउंटर कौन है विश्वामित्र। विश्वामित्र के पास गया कि मैं इस देह में नहीं अपनी पुरानी वाली देह में स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र बोला मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, मैं भेजता हूँ तुम्हें। और उसने उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, लेकिन ऐसा ऐलान करा दिया जितने भी ऋषिगण है सब यहाँ पर एकत्रित हो जाए मेरे यज्ञ में सहयोग देने के लिए, जो ऋषिगण नहीं आएंगे उनको चंडाल का शरीर प्राप्त हो जाएगा। सब जान देते विश्वामित्र इतनी तपस्या कर रहे, सब डर के आगे एक दो ऋषि को छोड़कर और सब करने लगे, खूब यज्ञों का उच्चारण करने लगे। और जब यज्ञों में देवताओं को आहुति देने लगे, देवताओं को बुलाया, देवता आए नहीं, उनके शास्त्रों के विरुद्ध है सारा, देवता नहीं आ रहे। विश्वामित्र ने बोला ऐसी तैसी मैं ऐसे ही भेजता हूँ। अपने तेज से उसने क्या किया, त्रिशंकु को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। त्रिशंकु ऊपर जा रहे हैं, वो बड़ा खुश हो रहा है, अरे वाह मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ। और विश्वामित्र जैसे आहुतियां डाल रहे, मंत्रों का उच्चारण करा, त्रिशंकु ऊपर जाता जा रहा, सब हैरान हो रहे, कमाल कर दिया विश्वामित्र ने, स्वर्ग के द्वार पे खटखटाने लगा। इंद्रजीत ने देखा ये कौन आ रहा है, बिना कोई यज्ञ के बिना कर ऐसे के कैसे कोई आ सकता है। इंद्रजीत ने उसको पलटा और उल्टा नीचे भेज दिया, वो नीचे आ रहा है, बेचारा चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। विश्वामित्र बोले कैसे, और मंत्रों को छेड़ा, वो ऊपर जाने लगा, वो नीचे आने लगा, बार बार ऊपर नीचे, और उसका बुरा हाल हो गया। वो त्रिशंकु बोले छोड़ दो मुझे, वो अपनी सारी इच्छा भूल गया। लेकिन विश्वामित्र को जिद थी, उसने क्या किया कि इंद्र अगर तुम इनको स्वर्ग में स्वीकार नहीं करते, लेकिन मैंने एक बार ठान लिया है, तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से एक अलग सा स्वर्ग का लोक बना दिया और इंद्र के साथ ये संधि कर ली कि आप अपने स्वर्ग में नहीं आने देते, इसको इस स्वर्ग में लटकने दो। तो आज भी वो त्रिशंकु एक तारा दिखता है हमें, वो उल्टा लटका हुआ है बेचारा। तो विश्वामित्र जी ने ऐसा किया, लेकिन इस दौरान में विश्वामित्र जी ने अपने आपको बहुत असहाय पाया और पहली बार ही उनके मुख से कुछ भगवान के नामों का उच्चारण हुआ, क्योंकि बहुत असहाय हो गए थे और उन नामों के उच्चारण से उनकी शक्ति मिली कि वो एक समानांतर स्वर्ग लोक की स्थापना कर सके। लेकिन इसके बाद विश्वामित्र जी को लगा मैंने अपना सारा तपोबल इसमें खो दिया, अब दोबारा से तपस्या करता हूँ। फिर खूब तपस्या की, 10,000 साल तक तपस्या की। इंद्र जी ने बोला ज्यादा तपस्या इकट्ठी हो गई है, मेनका को भेजा, आप सब जानते हैं। फिर मेनका के साथ लिप्त हो गए, शकुंतला की उत्पत्ति हुई, फिर उनको पश्चाताप हुआ, मेनका को छोड़ दिया, शकुंतला को छोड़ दिया, फिर पूर्वी दिशा में गए मैं और तपस्या करूंगा। खूब हजारों साल तपस्या की, क्या बनना था उनको, वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि बनना था, जिद ठाननी थी, इतना अहंकार था कि अपनी तपोबल पे मैं बन जाऊंगा। खूब तपस्या की, रंभा को भेज दिया, रंभा जाने में हिचकिचा रही थी, इंद्र ने बोला नहीं नहीं आप चिंता मत करो ये बहक जाएगा। लेकिन इस बार विशिष्ट विश्वामित्र जी ने क्या किया, क्रोध से उनको देखा और रंभा को जला दिया। फिर उनका तपोबल चला गया, फिर वो पश्चाताप करने लगे, फिर उन्होंने बोला बोलना चालना खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया हजारों वर्ष तक।
कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, जैसे जड़ भरत थे, और खूब तपस्या करने लगे। ऐसी तपस्या करने लगेंगे कि उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और ऊपर के लोगों में धुआं जा रहा है। सब बोले त्राही त्राही मच गई, कुछ करो। सब ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले ठीक है, तुम्हारी इतनी तपस्या देखकर मैं आपको ब्रह्म ऋषि का पद देता हूँ। है ना, उनको ब्रह्म ऋषि का पद मिला। बोले अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। बोले क्यों? वशिष्ठ जी जब यहाँ आके मुझे स्वीकार करेंगे तब मानूंगा। तो सब वशिष्ठ जी के पास गए, ये देखो पूरी सृष्टि में धुआं फैल रहा है, इसको कुछ में वशिष्ठ जी आ गए। बोले ठीक है, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद। तो सब जाने लगे, तुमने रोका, रुक जाओ रुक जाओ। बोले अब क्या चाहिए? बोले वशिष्ठ मुनि आप रुकिए। तो क्या गए, उन्हें वशिष्ठ मुनि के चरणों में पड़ गए और उनके चरणों को धोआ, उनका चरणामृत पिया और उनसे क्षमा मांगी कि मैंने आप जैसे इतने उत्कृष्ट व्यक्ति से द्वेष किया और उस द्वेष को लेकर उस बदले की भावना से मैंने इतनी तपस्या की, लेकिन अब मुझे साक्षात्कार हुआ, ये सब बेकार था। अगर मैं केवल आपके चरणों की शरण ले लेता तो सब कुछ प्राप्त हो जाता। इस प्रकार से विश्वामित्र जी का हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये शतानंद ने पूरी कहानी सुनाई राम और लक्ष्मण को। ये कहानी सुनने के बाद विश्वामित्र जी मनन कर रहे थे अपने जीवन के ऊपर और देख रहे थे कैसे मेरे जीवन परिवर्तन आया, और विनम्रता उनके जीवन में आनी शुरू हुई जब उन्होंने पहली बार भगवान का नाम लिया। और तब से हृदय में उनकी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भगवान का संग करूंगा। तभी वो दशरथ महाराज के पास गए और राम और लक्ष्मण को उन्होंने मांगा, राम को मांगा। चाहते तो जैसे विश्वशिष्ट ने बताया था कि विश्वामित्र अपने ही तपस्या से असुरों का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो राम का संग चाहते थे। और अब उनकी एक और इच्छा थी कि मैं किसी ढंग से राम का विवाह के कभी एक कारण बनूं, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा और केवल भगवान राम की भक्ति में जुड़ूंगा, ऐसा उनका मंशा थी। तो उसके बाद राजा जनक राम और लक्ष्मण को देखते हैं और वो निवेदन करते हैं विश्वामित्र जी से कि ये बालक आपका इतना पराक्रमी है, इतनी कम आयु में इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, तो क्या ये हर धनुष को उठा पाएगा? और फिर उन्होंने कथा बताई कैसे सीता उनकी बेटी का जन्म हुआ, किस प्रकार से वो हल जोत रहे थे और कैसे सीता मैया उनको पृथ्वी से मिली थी। सीता जी का एक नाम है आयोनिज, जो किसी योनि से उत्पन्न नहीं होती। तो कैसे सीता मैया उनको एक सोने के बॉक्स में मिली थी और जनक महाराज ने सोचा कि ये भगवान की विशेष कृपा है। और जनक महाराज के जो वंश में ही एक राजा थे जिनका नाम था देवराज, उनको ये हर धनुष प्राप्त हुआ था। एक बारी नारद मुनि जी और इंद्र में आपस में बातचीत हो रही थी, तो नारद मुनि जी भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे थे, तो इंद्र ने कहा शिव जी भी कम शक्तिशाली नहीं है। तो बोले ठीक है, दोनों युद्ध करा के देखते हैं। तो दोनों गए, शिव जी कहले मैं जिसकी माला जप रहा हूं से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इन सब देवताओं ने निवेदन किया कीजिए। विष्णु के पास भी गए, बोले ठीक है हमारे लिए तो स्पोर्ट है। वो खेलने लगे और जब दोनों के लिए फिर बोले युद्ध, दोनों के पास एक जैसा धनुष होगा। तो विश्वकर्मा जी ने धनुष बनाया, एक धनुष शिव जी को दिया, एक धनुष विष्णु जी को दिया, और दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि बस पूरी सृष्टि हिल गई, सब देवता आए बोले बंद कर दो। तो बंद कर दिया, तो बोले इस धनुष का करेंगे क्या? तो शिव जी ने जो अपना धनुष था वो राजा निमि को दिया और राजा निमि से फिर ये जो जनक जी का वंश चल रहा था उनके पास ये आया, और जो विष्णु का धनुष था वो परशुराम जी के वंश में गया। तो इसके बाद बोले हमारे पास है लेकिन इतना भारी धनुष है, जैसे हम कल बता रहे थे, इसको धकेलने के लिए 5,000 पहलवान चाहिए और इसको खींचने के लिए 500 बड़े बैल चाहिए शक्तिशाली, और एक बहुत बड़े बक्से में उसको रखा होता था। तो क्या हुआ था, ये कहानी अलग अलग रामायणों में अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है कि सीता में जब छोटी सी बालिका थी, अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी, सखियों के साथ, तो उनकी जो फूलों की गेंद बनी हुई थी वो धनुष के नीचे आ गई थी। तो सीता मैया गई और बड़ी आसानी से बाएं हाथ से धनुष को उठाया, गेंद निकाली, रख दिया। जब सारा दृश्य देखा कुछ लोग तो वहीं बेहोश हो गए कि क्या क्या हुआ, कैसे उठा के रख दिया। और कुछ ने जाके राजा जनक को बताया, तो उन्होंने बोला इनको वैद्य जी को दिखाओ, जरा पागल हो गए। कईयों ने आके बताया नहीं नहीं बिल्कुल सत्य है, सीता मैया ने ऐसे ही किया। कई और जगह ऐसा वर्णन आता है कि सीता मैया को फूल तोड़ने थे, फूल तोड़ने की कुछ छड़ी नहीं मिल रही थी, तो धनुष उठा के फूल तोड़ने लगे उससे। तो जब जनक जी को मालूम चला और काफी लोगों ने बोला हमने देखा है, तो जनक जी ने फिर निर्णय लिया जब ये लड़की इतनी बलशाली है तो उसके लिए जो वर ढूंढना पड़ेगा इससे ज्यादा बलशाली होना चाहिए।
तो बोला जो इस धनुष को उठा लेगा उसे वही सीता से विवाह कर पाएगा। अब ऐसी कंडीशन रखी और सीता जी इतनी सुंदर थी, सारे बड़े बड़े राजकुमार अन्य लोगों से आए, किसी की हिम्मत नहीं हुई, उठा ही नहीं पाया और सब जनक जी से बड़े क्रोधित हो गए, या आपने कैसी शर्त रख दी। सबने मिलकर जनक जी पे आक्रमण कर दिया। जनक जी बड़े दुखी थे, बड़ी मुश्किल से अपनी रक्षा की और वे अब इसका विवाह कैसे होगा ये मुझे चिंता है, लेकिन बालक राम ने मुझे कुछ लगता है शायद कर ले। तो जब राम और लक्ष्मण ने दर्शन किए उस धनुष के, तो भगवान राम ने विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगी, क्या मैं इस धनुष के पास जा सकता हूँ। विश्वामित्र आज्ञा थी, तो भगवान राम बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो रामायण में आता है कि भगवान राम जब आगे बढ़ रहे हैं तो सिंह गति थी, उनके अंदर जो चल रहे थे शेर जैसे, जैसे कहते थे आत्मविश्वास था, और आगे व्याघ्र गति थी और एक चीते जैसे उनमें उत्साह था, फिर आगे गज गति थी है ना, हाथी की तरह एक मद था, फिर उसके बाद बताते हैं एक ऋषभ गति थी यानी कि एक बैल की तरह आत्मविश्वास था, इन सबका उसमें मिश्रण था। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी भगवान राम परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर भी छूने से पहले एक बार फिर उन्हें विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, जाने से पहले प्रणाम किया, छूने से पहले प्रणाम किया, और फिर उठाने से पहले फिर विश्वामित्र जी को देखा और फिर प्रणाम किया। इसका अर्थ क्या है, जितना हम वैष्णवों को वरिष्ठों को आदर देते हैं उतना हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद इसलिए नहीं लेना चाहिए कि मैं तो कमजोर हूं ना, ऐसा होता है कई बार जब हम कोई नई सेवा शुरू करते हैं जिसमें हम ज्यादा हमारे पास कौशल नहीं होता, तब हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है ना, प्रभु जी मैं तो आपकी कृपा पर निर्भर हूँ सब है ना। और जब एक बार कौशल पूरा आ जाता है फिर तो क्या, फिर तुम्हारी बाएं हाथ का खेल है। तो भगवान राम के लिए धनुष उठाना बाएं हाथ का खेल था, लेकिन पूरी मर्यादा का पालन कर रहे थे, उनसे आशीर्वाद दिया। तो इसीलिए चाहे हम जैसे भी स्थिति में हों, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी हमारे पास योग्यता है वो केवल कृपा से प्राप्त हुई है। और इस बात को हमेशा हम याद रखेंगे तो हम कभी भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर महाराज ने अपनी पत्रिका हार्मोनिस्ट में पूतना के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था और बड़ा सुंदर उन्होंने पूतना का एनालिसिस किया था। पूतना भक्तिनाथ ठाकुर क्या बताते हैं, कौन से गुरु कौन से अनर्थ को इंगित करती है, झूठे गुरु ना, दिखावटी गुरु ना। तो बोलते हैं कि संस्था में भी कई दिखावटी गुरु प्रकट हो जाते हैं, बड़े दिखावटी गुरु आते कहाँ से हैं। वो कहते हैं दिखावटी गुरु कैसे प्रकट होते हैं, दिखावटी गुरु पूतना की मानसिकता है हम में कैसे प्रकट हो सकती है, जब वो बोलते हैं साल की शुरुआत में या एक महीने की शुरुआत में या एक सप्ताह की शुरुआत में या एक दिन की शुरुआत में या हर क्षण अगर कोई अपने गुरु का स्मरण नहीं करेगा तो उसके अंदर पूतना की मानसिकता आ जाएगी, वो अपने आप को गुरु मानना शुरू कर देगा कि मैं बहुत विशेष हूँ, मेरी इतनी फॉलोइंग है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना ये हूँ वो हूँ, तो वो झूठे गुरु की मानसिकता आ जाती है। इसीलिए कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी हमें प्राप्त हुआ है भौतिक या आध्यात्मिक ऐश्वर्य केवल कृपा से है। तो भगवान राम हमें सिखा रहे, सब कुछ कर सकते थे भगवान राम लेकिन विश्राम जी को पूरा तक दे, उन्होंने क्या किया बड़े आराम से उसको उठा लिया और उसको जब करने लगे उसको बांधने लगे और जैसे ही मोड़ा धनुष टूट गया। जब धनुष टूटा इतनी बड़ी ध्वनि हुई जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल गया, शिव जी की तपस्या भंग हो गई, ब्रह्मा जी हिल गए, पूरा ब्रह्मांड हिल गया और ज्यादातर लोग तो बेहोश हो गए। इतनी बड़ी ध्वनि हुई, केवल जनक थे जो बहुत हर्षित थे और सीता मैया बहुत हर्षित थी। तुरंत सीता मैया को बुलाया गया, लाओ वरमाला, भगवान राम को भी डालते हैं, कभी विवाह करते हैं, सब कुछ तैयार था। सीता माला को वरमाला पकड़ाई गई, जैसे ही सीता मैया भगवान राम को डालने लगी भगवान ने बोला रुक जाओ रुक जाओ, जनक जी को लगा हार्ट फेल हो गया है, रुक जाओ, इतनी मुश्किल से मिला और ये बोले रुक जाओ, बोले अभी नहीं नहीं करना। क्यों, जनक जी विश्वामित्र को देख रहे हैं क्या है कैसा है एकदम क्लाइमैक्स, बोले रुक जाओ, और सीता मैया हाथ लेके खड़ी है, क्यों रुक जाओ, बोले नहीं, मैं दशरथ महाराज से आज्ञा लेके आया था विश्वामित्र के लिए, इस उद्देश्य के लिए नहीं, बिना अपने पिताजी के आशीर्वाद के मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। विश्वामित्र मुस्कुराए, जनक जी भी थोड़ी सी शांति मिली। विश्वामित्र जी बोला जनक जी को तुरंत अपने दूत भेजिए अयोध्या में,
उनको अच्छे सुंदर समाचार दीजिए और सबके सब यहाँ पे आएंगे और बहुत सुंदर से विवाह का आयोजन होगा। हरि तो जब ये जब हुई घटना हुई तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा सीता मैया को कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा? अभी तो कोई वर मिल नहीं रहा था, वर मिला बोला रुक जाओ अभी नहीं करना, तो उनको उनको कुछ चिंता हुई होगी कि नहीं? उनको बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? उनको लगा कि भगवान राम में विशेष तीन गुण है। पहला गुण क्या है कि भगवान राम में इतनी क्षमता है कि वो मेरी रक्षा कर सकते हैं। दूसरा गुण ये है कि भगवान राम के अंदर इतनी बुद्धि है कि सही समय पे सही निर्णय लेते हैं और सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कि भगवान राम को अपने मन और इंद्रियों पे पूरा संयम है, क्योंकि हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं आता लेकिन रामचरितमानस में आता है कि जैसे ही मिथिला में भगवान राम ने प्रवेश किया था उन्होंने सीता मैया के दर्शन किए थे और दोनों का एक दूसरे आकर्षण हुआ, हालांकि वो तो उनकी नित्य भार्या हैं लेकिन लीला में ऐसा दिखाया। तो भगवान राम ने दिखाया कि मुझे अपने मन और इंद्रियों पूरा संयम है और जहां की मर्यादा का पालन करना है, मर्यादा या सिद्धांत अपनी इच्छाओं से ऊपर है। अक्सर कई बारी हम जानते हुए भी सिद्धांतों का पालन नहीं करते, अपनी इच्छाओं के आगे हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने दिखाया नहीं, सिद्धांत जो है प्रिंसिपल्स जो है वो इच्छाओं से ऊपर होने चाहिए। इतना सब कुछ सच सब कुछ था, वो हाथ डाल देती विवाह हो जाता, लेकिन बोला नहीं अभी नहीं जब तक दशरथ जी से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो दशरथ जी वहां पर आए और फिर जनक जी ने कहा कि उनके भाई की भी तीन पुत्रियां और हैं और चारों कुमार राजकुमार हैं, सबका इकट्ठा विवाह हुआ और पूरा के पूरा विवाह जा रही थी बहुत ही धूमधाम से। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, पूरा दशरथ जी के वंश का वर्णन करते हैं, जनक के वंश का वर्णन करते हैं, बहुत विस्तार में बताया गया। उसके बाद विवाह होते विवाह वापिस सब अयोध्या जा रहे हैं तो दशरथ जी को कुछ आकाश में अशुभ लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, है ना, पूरा चारों तरफ अंधकार छा रहा है तो दशरथ जी घबरा जाते हैं और तभी वहां पे प्रकट होते हैं कौन? परशुराम जी अपने बरछे के साथ बड़े क्रोध में, किसने किया ये? मैंने सुना राम ने किया है कि हर धनुष को उनको तोड़ दिया, किसमें इतनी हिम्मत है? मेरे पास विष्णु वाला धनुष है, अगर इस पे वो तीज लगा के देखे तब मैं उसकी शक्ति को मानूंगा। तो परशुराम जी को ऐसे क्रोध में देखा तो दशरथ कांपने लगे, क्योंकि परशुराम जी ने पहले निर्णय लिया था, थोड़ा आगे आ सकते हैं प्लीज। परशुराम जी ने हम देखा था कि उनके पिताजी को क्षत्रियों ने तंग किया था तो 21 बारी उन्होंने भ्रमण करके सारे पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, लेकिन उन क्षत्रियों को वो छोड़ देते थे दो कंडीशंस में, अगर कोई क्षत्रिय विवाह में लगा हुआ है तो उसको छोड़ देते थे, या कोई नग्न नारियों से बीच में घिरा हुआ है तो उसको छोड़ दे, बोले इतना वहां जाऊंगा ही नहीं। तो जब जब भ्रमण करते थे परशुराम जी, दशरथ को मालूम चलता था तो दशरथ जी विवाह कर लेते थे से बचने के लिए, तो 350 विवाह ऐसे ही हो गए थे उनके। लेकिन अब आमना सामना करने पड़ रहा है तो दशरथ जी घबरा रहे थे, कांप रहे थे और उनके पैर पड़ गए, ये मेरा बेटा है, तो वो तो उनको वात्सल्य भाव था। तो भगवान राम को अच्छा नहीं लगा, भगवान राम ने परशुराम से कहा आप अपने पिताजी के जो आपके पिताजी पे अत्याचार हुआ उसको प्रतिकार करने के लिए आप इतना क्रोध दिखा रहे हैं, लेकिन आप मेरे पिताजी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? कहाँ है आपका धनुष? वो धनुष लिया और बड़े आसानी से भगवान राम ने क्या किया, उस धनुष में कोई तीर लगा दिया। तो देखकर परशुराम बड़े हैरान हो गए, मैं जान गया कि आप स्वयं विष्णु हैं, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान राम ने बोला ठीक है, आपने बहुत तपस्या किया, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपका तो वध नहीं कर सकता, अब मैंने तीर चला लिया, ये तीर कहाँ छोड़ूं बताओ, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो उसके पास जवाब नहीं है, तो बोले तीर से मैं आपने जो अपनी तपस्या के बल पे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होनी थी ये तीर उसको खत्म कर देगा। तीर छोड़ दिया, बोले अब आप अपनी तपस्या के बल पे स्वर्ग लोक की आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो परशुराम ने कहा इतना तो कर दो जिस पर्वत पे मैं तपस्या कर रहा हूँ वहां पहुंच जाऊंगा, बोले वहां आप जा सकते हैं। और इसके बाद परशुराम ने उनको प्रणाम किया, उनको स्वीकार किया कि आप स्वयं विष्णु हैं। और फिर भगवान राम और सब भाई अयोध्या में आते हैं, अयोध्या में खूब उत्सव मनाया जाता है और इस प्रकार से बालकांड समाप्त होता है।
तो ये रामायण नहीं, रामायण, रामायण का एक अर्थ है भगवान राम की कथा, रामायण का दूसरा अर्थ है रामायणम, जहाँ राम निवास करते हैं, और इस निवास स्थान में उनके छह कमरे हैं जो छह कांड के रूप में हैं। तो बाल कांड के बाद अब शुरू होता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में बहुत सुंदर वर्णन है। अयोध्या कांड में भगवान की करुणा प्रकट होती है। देखिए, हम सब इस संसार में जो जीव हैं बार बार जन्म लेते हैं, अलग अलग शरीर धारण करते हैं। क्यों? हमारे मन में अलग अलग धारणाएं हैं, संस्कार हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। हमें ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये राग है, ये द्वेष है, उसके बीच में हर वक्त जीव घिरा हुआ है। और जब तक इस राग द्वेष के चक्कर में रहेंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते, अगला जन्म उसी राग द्वेष के अनुसार मिलेगा। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के जब चरित्र को सुनते हैं तो हमारी ओपन हार्ट सर्जरी होती है और हमारा हृदय कोमल होना शुरू होता है। हम अपनी गलत धारणाओं से ऊपर उठते हैं। हम सबके साथ ये हो चुका है, थोड़ी बहुत बाईपास सर्जरी हो चुकी है हमारी, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, है ना, सोलह माला जप करते हैं, चार नियम का पालन करते हैं। हमारे कुछ संस्कार खत्म हुए हैं, कुछ राग द्वेष खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है बहुत कुछ। तो जितने हम ध्यान से श्रवण करेंगे, ये राग द्वेषों से हम ऊपर उठेंगे, भक्तों के संग में श्रवण करने से उससे ऊपर उठेंगे। और जितना हम ऊपर उठेंगे उतना हम भगवान राम को, कृष्ण को अपने हृदय में ला पाएंगे, और तब हमारा हृदय जब शुद्ध होगा तब हम भगवान धाम जाएंगे। इसलिए बहुत आप सुनेंगे इस अयोध्या कांड में क्या सुंदर भगवान राम का चरित्र है, क्या भरत जी का चरित्र है। यह अयोध्या कांड शुरू होता है भगवान राम के दिव्य गुणों से और यह समाप्त होता है भरत जी के चरित्र से। तो भरत जी का जो चरित्र है इस अयोध्या कांड का मुख्य, वो जिसे कहते हैं आकर्षण है, कि किस प्रकार से भरत जी को सबने गलत समझा और फिर भी वो भरत जी सेवा करते रहे, तो ये वर्णन आगे आएगा। तो अयोध्या कांड की शुरुआत होती है भगवान राम के गुणों के वर्णन से। तो एक वेंकटेश स्त्रोत है, उसमें भगवान राम का बहुत सुंदर गुणगान है। पहले हम इसका उच्चारण करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, आप नीचे बोलिए। सुमुखम सुहृदम सुलभम सुखदम स्वनुजम च सुखाय मोघ शरम अपहाय रघुद्वयमन्यमहम् न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे। बड़े सुमुखम, आपका मुख बहुत सुंदर है। कईयों का चेहरा बहुत सुंदर होता है लेकिन हृदय इतना सुंदर नहीं होता। तो आप सुमुख भी हैं और क्या है, सुहृदम, बहुत सुंदर हृदय है। कईयों का चेहरा भी सुंदर होता है, हृदय भी सुंदर होता है, बट उनको मिलना इतना आसान नहीं होता, स्पेशल व्यक्ति। सुलभम, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। हम देखेंगे भगवान गुहा जी को भी गले लगा लेते हैं, जटायु को भी गले लगा लेते हैं, बड़े सुलभ हैं। लेकिन क्या सबको सुख देते हैं? हाँ, सुखदम, सबको सुख देते हैं। और फिर क्या है, स्वनुजम च सुकायम अमोघ शरम, और क्या है, अपने भाइयों के साथ आप क्या करते हैं, और साथ में जितने भी आपके स्ट्रीम ऑफ एरोस, जो बाणों की वर्षा से आप क्या करते हैं, स्वनुजम च सुकायम मोघ शरम, बाणों की शैया से आप एक सुंदर काया बना लेते हैं। अपहाय रघुद्वय मन्य महम न कथंचन कंचन जातु मुझे, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको एक क्षण भी मैं ना छोड़ सकूं। इसलिए क्या है, आप रघु के क्या है, रघु के क्या है, रघुवंश के कंचन है, आप उनकी शोभा है। तो ये प्रार्थना वेंकटेश स्तोत्र में आती है। तो भगवान राम के गुणों का वर्णन अयोध्या कांड के प्रारंभ में हुआ और बताया जाता है कि भगवान राम बहुत दयालु थे और अपने से वृद्ध लोगों का संग करते थे। अपने से वृद्ध लोगों का संग करने से क्या लाभ होता है? अनुभव सीखने को मिलता है।
और अपने से ज्ञान वृत्त थे उनका भी संग करते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त होता था और अर्थ नीति में बहुत निपुण थे और सबसे प्रेम करते थे। और जो विशेष बात थी भगवान राम ने कि सबके अच्छे गुणों को देखते थे और उनकी गलतियों पर नजर नहीं डालते थे, अवगुणों पर ध्यान नहीं देते थे ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं एक मधुमक्खी होती है और एक साधारण मक्खी होती है, तो देखते हैं भगवान के जितने शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर भी एक गुण होता है, तो सबके अंदर अच्छे गुणों को देखेंगे अवगुणों को नकार देंगे ना। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के पास जब भी मैं जाता हूँ, कभी किसी भक्त के बारे में थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बोलने का प्रयास करता हूँ, गुरु महाराज पहले उसका एक गुण गिना देते हैं, पहले चुप कर जाते हैं, ठीक है, और भूलते नहीं है, छोटी सी भी सेवा कर देंगे उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं। भगवान राम भी और भगवान के शुद्ध भक्त भी, हम देखते हैं बस जीव में भूल जाते हैं, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया उसको बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हमने किसी का थोड़ा सा भी अच्छा किया कभी नहीं भूलते, उसको याद दिलाते रहते हैं मैंने ये किया था तुम्हारे साथ, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त में उल्टा गुण है कि किसी ने उनके साथ थोड़ी सी भी सेवा की भगवान याद रखते थे और सबसे प्रेम करते थे, तो ऐसा उनका चरित्र था। और अच्छी बात क्या थी, हर कोई उनके पास आ सकता था, सुलभ थे। तो ये एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सुलभ हो। कई जो ऐसे लीडरशिप के रोल में होते हैं वो अपने आसपास ऐसा वातावरण क्रिएट कर लेते हैं कि लोग उनके पास जाने से डरते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। नहीं, भगवान राम सबको प्रेरणा देते थे और सब हृदय अपना देना चाहते थे, तो ऐसे उनके अंदर गुण थे। तो एक बार दशरथ जी को क्या हुआ, दशरथ जी थोड़े से वृद्ध हो रहे थे, दशरथ जी को बड़े उल्टे सीधे सपने आ रहे थे। दशरथ जी को लग रहा था कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। दशरथ जी ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मैं सोचता हूं कि भगवान राम को युवराज घोषित किया जाए, उनका राज्याभिषेक किया जाए। जैसे ये कहा सभी मंत्री ने बोला बड़ी उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, हम तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब ये बात सुनी दशरथ जी के अंदर एक आभा थी, क्या मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे, सब चाहते थे मैं जाऊं जल्दी से। तो होता है कई बारी, तो इससे पहले इंग्लिश में कहावत है, इसी एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टार था, उसने अपने पीक पे था, उसने रिटायरमेंट ले लिया, रिजाइन कर दिया। लोगों ने पूछा अभी तो आप पीक में अपना रिटायर क्यों ले लिया, बोले जब आप रिटायर हो तो लोगों को पूछना चाहिए व्हाई, दे शुड नॉट आस्क व्हाई नॉट। तो बोले पहले कर जाओ, इससे पहले कि धक्का मारा जाए पहले ही निकल जाओ। तो बोले ठीक है, सबको बड़ा अच्छा लगा। तो बोले क्या शुभ मुहूर्त है वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी ने देखा बोले विशेष शुभ मुहूर्त कल ही है, पुष्य नक्षत्र है, इसमें भगवान का अभिषेक हो जाना चाहिए, राम जी का अभिषेक होना चाहिए। बोले ठीक है तैयारियां शुरू करो, तैयारियां शुरू हो गई चारों तरफ। और भगवान राम को दोबारा से बुलाया दशरथ जी ने अपने पास, बोले मुझे कुछ अपशगुन दिखाई दे रहे हैं जिससे मैं चाहता हूँ ये कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आप जब राज संभालेंगे मैं आपको और कुछ सलाह देना चाहता हूँ कि आप वैसे तो विनम्र हैं लेकिन और विनम्र हो जाना है ना। दशरथ जी हमें सिखा रहे हैं भगवान राम के माध्यम से, जब हम एक लीडरशिप के रोल में आते हैं तो हमें ज्यादा विनम्र होना पड़ता है, अगर नहीं होंगे तो जबरदस्ती बना दिए जाएंगे, तो बेटर हो जाओ। एक बार हमारे मंदिर में परम पूजनीय बद्री नारायण स्वामी महाराज आए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, तो बोले जब मैं 23 साल का था मुझे टेम्पल प्रेजिडेंट बना दिया था, नया नया था एकदम, तुम्हें पता ही टेम्पल प्रेजिडेंट क्या करना है। मैं प्रभुपाद जी का मॉर्निंग वॉक में था, मैं प्रभुपाद टेम्पल प्रेजिडेंट होता क्या है, करना क्या होता है, मेरा रोल क्या है। तो उनको लगा प्रभुपाद जी बोलेंगे आप मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये है वो है। प्रभुपाद ने सिंपल बात बोली, कहीं भी कुछ भी गलती होती है तुम्हें जिम्मेवार पकड़ा जाएगा। कहीं पर भी गलती होती है कौन है प्रेजिडेंट, पकड़ो उसको। बोले क्या बात है। तो अगर हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, हमें जब कोई सेवा मिलती है, अगर सेवा का हमें कोई सी भी सेवा का इंचार्ज बना दिया जाता है तब बस्ती में नम्रता दिखानी पड़ती है। क्योंकि हम जानते हैं ये जो संस्था है ये सब वॉलंटियर्स की है, तो किसी से सेवा करवाना या किसी को आज्ञा देना बड़ा मुश्किल है, केवल प्रेरणा से करा सकते हैं। तो बहुत विनम्र बनना पड़ता है, कुछ अपेक्षा नहीं रखनी पड़ती और सारा थैंकलेस जो है सब आपको फीडबैक मिलेगा। तो बोले और विनम्र होना पड़ेगा, और आज कल क्योंकि सुबह आपका अभिषेक होना है
तो आप और सीता पूरी रात व्रत रखिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए। भगवान राम जब इंस्ट्रक्शंस लेकर गए सीता के पास, उनको बताया, सीता मैया बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने यज्ञ शुरू किया। और भगवान राम बाहर से यज्ञ भी कर रहे हैं लेकिन अंदर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब भी हमें कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलती है उसके एक लिए तो उसके लिए तो हम कुछ स्किल्स इकट्ठे करते हैं, इस सेवा करने के लिए क्या हमें स्किल्स चाहिए, साथ ही साथ हमें अपनी आंतरिक तैयारी भी करनी चाहिए, अपनी चेतना को भी तैयार करना चाहिए कि ज़्यादा जिम्मेवारी मतलब ज़्यादा त्याग, ज़्यादा सेवा, सेवा मतलब सेक्रीफाइस, अपने कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद भगवान राम कौशल्या के पास गए, कौशल्या जी के पास भी समाचार पहुंच चुका था, तो कौशल्या जी बहुत प्रसन्न हुए, कौशल्या जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद किया जिनकी वो अर्चना करती है। ऐसा कहा जाता है कौशल्या जी के विग्रह कौन थे मालूम है आपको? श्रीरंगम में जो रंगनाथ जी के विग्रह हैं, कौशल्या जी उनकी अर्चना करती थी। देखे आप कितने भक्तों ने रंगनाथ जी के दर्शन किए श्रीरंगम में, कितने बड़े हैं भगवान लेटे हुए हैं, तो वो कौशल्या जी के पास थे। और जब भगवान राम वापस अयोध्या में आए थे तो विभीषण उनके साथ आए थे, तो भगवान राम ने रंगनाथ जी को विभीषण को दे दिया था और विभीषण जी इसको ले जा रहे थे लंका की ओर। तो रास्ते में जब श्रीरंगम पहुंचे, थोड़ी देर के लिए रुके, उन्होंने विग्रह को रखा, जब वापस उठाने लगे तो विग्रह उठे नहीं, तो विग्रह ने भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं यहीं स्थापित होना चाहता हूँ। तो आज भी कहा जाता है कि विभीषण जी आते हैं मंगल आरती में भगवान के दर्शन करने के लिए, हमें दर्शन नहीं होंगे लेकिन वो आते हैं। और एक बारी कहा जाता है, ऐसा है, ऐसे मतलब कि वहां के लोग बताते हैं कि त्रेता युग में जब विभीषण आते थे लंका से दर्शन करने के लिए, तो एक बारी वो जल्दी में थे, मंगल आरती में लेट हो गए, तो जल्दी में थे तो उनका पांव एक ब्राह्मण को लग गया और वो इतने विशालकाय थे कि ब्राह्मण बेचारा मिट्टी में धंस गया और वहां के लोगों ने विभीषण जी को पकड़ लिया कि ब्राह्मण पे इतना बड़ा अत्याचार किया और ये समाचार भगवान राम तक पहुंचा। तो भगवान राम अयोध्या से श्रीरंगम में गए, बोला क्या हुआ? बोले इसने ब्राह्मण पे ऐसे अत्याचार किया है। जैसे ही भगवान राम ने विभीषण को देखा, उन्होंने बोला अगर किसी दास से कोई गलती हो तो उसकी सजा स्वामी को मिलनी चाहिए, सजा मुझे मिलनी चाहिए। सबने ऐसा कैसे संभव? बोले नहीं, ये मेरे शरणागत हैं, इनको आप छोड़िए। तो सबने विभीषण जी को छोड़ा। तो ये कौशल्या जी के विग्रह थे रंगनाथ जी। तो कौशल्या जी बहुत प्रसन्न हुई, अपना आशीर्वाद दिया, पूरे राज्य में तैयारियां शुरू हो गई ना, जैसे अभी हम पंचकुला में तैयारी है, भगवान राम आने वाले हैं, खूब तैयारियां हो रही हैं और सब लोग बहुत प्रसन्न थे, सबके चहेते थे भगवान राम, पूरे राज्य में सब प्रसन्न थे एक व्यक्ति को छोड़कर, कौन थे? मथुरा। जब देवताओं ने देखा कि दशरथ जी भगवान राम का अभिषेक करने वाले हैं तो देवता बड़े चिंतित हो गए, अगर भगवान राम राजा बन गए लंका कौन जाएगा, रावण का वध कौन करेगा, हमारी सारी सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो सरस्वती माता के पास गए, सरस्वती जी कुछ कीजिए। सरस्वती ने बोला ऐसे शुभ वातावरण में क्या कर सकती हूँ, एक व्यक्ति है, मंत्रा के द्वारा कुछ किया जा सकता है। तो सरस्वती मंत्रा के जीवा पर आ गए और मंत्रा ने देखा ये तैयारियां क्यों हो रही हैं, एक दासी से पूछा, उसे नहीं मालूम कल राम का अभिषेक है। अच्छा, वो तुरंत गई कैकई के पास, कैकई अपना, कैकई का बहुत सुंदर महल था, कैकई आराम से बैठी हुई थी, बोले तू क्या निपट मूर्ख है, यहाँ आराम से बैठी है और वहां सब सत्यानाश हो रहा है, जिसको तू अपना बड़ा प्रेमी स्वामी मानती थी वास्तव में आस्तीन का सांप है, वो कहता था कि तू मेरी सबसे प्रिय रानी है, वो केवल शब्दों के लिए, वास्तव में उसकी प्रिय रानी तो कौशल्या है, तू तो दासी बन के रहेगी, तेरा भविष्य तो अंधकार में है, भरत का भविष्य अंधकार में है। खूब ऐसे सुनाने लगे, तूने बोला कहने बेटा हुआ क्या है, साफ साफ बात करो। बोले साफ साफ बात करो, तुझे कुछ पता है? बोले क्या? बोले भगवान राम, राम को कल राजा बनाया जा रहा है, युवराज बना रहे, उसका अभिषेक होगा। जैसे ये कहीं ने सुना, बड़ी खुश हुई, इतना सुंदर समाचार मंत्रा तुमने दिया, इससे बढ़िया समाचार मुझे मिला ही नहीं, मुझे मुझे राम तो भरत से भी ज्यादा प्रिय है। उसने भी गले में बड़ा सुंदर हार था हीरे का, वो दे दिए, ले मंत्रा। मंत्रा ने हार लिया, जोर से फेंका, है ना, इतनी जोर से फेंका कि बोले फर्श पे वो गड्ढे पड़ गए और अपने माथे को पीटने लगी, बाल नोचने लगी, बोले पागल है तू, मूर्ख है, तेरी हालत तो उस व्यक्ति की तरह है जो समुद्र के बीच में जहाज में जा रही, उसी जहाज में छेद कर रही है और डूब जाएगी, मुझे भी साथ में लेके डूबेगी। हुआ क्या, क्यों ऐसा कह रही है? बोले
थोड़ा अक्कल लगा, बुद्धि लगा, क्या सोच रही है। कौशल्या राज माता बनेगी, राम के पुत्र भी होंगे वो सब उसको राजा के रूप में देखेंगे, भरत के पुत्र होंगे वो हमेशा उसको दास के रूप में देखेंगे, तू भी हमेशा दासी रहेगी तो मेरा क्या होगा। क्या हो गया ये, बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। रघुवंश में जो सबसे बड़ा है उसी को राज्य दिया जाता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। और मुझे मालूम है कि जो राम है पूरा मेरा ध्यान रखेगा, मुझे कोई इसमें क्यों क्या दिक्कत है, इतनी मूर्ख है ना। अगर ये बातें इतनी सरल होती तो जरा सोच किस समय ये राज्याभिषेक किया जा रहा है, तेरा पुत्र कहाँ है ना? उनके भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए हुए थे, कैकेयी देश में अपने मामा जी के पास, उनकी अनुपस्थिति में ये किया जा रहा है। कैकेयी सोच, ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र। उसने थोड़ा सोचा, अब थोड़ा थोड़ा उसके मन में जाना शुरू हुआ, बोले कोई बात नहीं, अगर राम राजा भी बनता है कई वर्ष राज्य करने के बाद वो भरत को दे देगा तो जबरदस्ती लेने की आवश्यकता है, राज्य तो आ ही जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, ये सब षड्यंत्र है, इतनी भोली है तू, इतनी मूर्ख है, मैं सोची तेरे में बुद्धि है, दुखी दिखने में सुंदर है, मेरे में बुद्धि नहीं है। बोले क्या, बोले जो राज्य दिया जाता है पूरे जीवन के लिए दिया जाता है, मूर्ख तेरा भविष्य क्या है, अब सोच मेरी बात को मान, इससे तेरा फायदा है, तेरे बेटे का फायदा है, तेरे पिताजी का फायदा है, ध्यान से सुन। उसको सुनाया, मुझे देख अगर राम राजा बन जाएगा, कौशल्या राजमाता बन जाएगी, कौशल्या का वैसे ही बहुत द्वेष है तेरे साथ क्योंकि दशरथ उसको ध्यान नहीं देता, तेरे पे ज्यादा ध्यान देता है, अब कौशल्या को मौका मिल जाएगा पूरा बदला लेगी, और संभाले कोई तेरे पास भिक्षा मांगने आएगा, तेरे पास कोई धनी नहीं होगा, तुझे कौशल्या से भीख मांगनी पड़ेगी। सोच जरा कौशल्या से भीख मांगेगी तो क्या वो दिन होंगे। अपने बेटे के बारे में सोच, भरत में कितने अच्छे अच्छे गुण है, राम में तो कोई गुण है ही नहीं, उसने तो रघुवंश का एक कलंक लगा दिया, एक स्त्री का वध कर दिया तड़का का, रघुवंश ने किसी स्त्री का वध किया, स्त्री का वध कर दिया। और राम भरत कितना योग्य है, सारे गुणों की खान है, वो बेचारा दास बन के घूमेगा। और सोच तेरे पिताजी, उनके पिताजी का नाम था अश्वपति, कैकेयी के पिता का जनक जी के साथ युद्ध रहता था मिथिला नरेश के साथ। बोले अभी तक मिथिला नरेश शांत हैं क्योंकि दशरथ जी और राम जी का संबंध है, लेकिन एक बारी राम राजा बन गया तो फिर वो उनको नहीं रोकेगा और तुम्हारे पिताजी के भी वो हरा देगा, इसीलिए कुछ कर। मैं क्या करूं, बोले तुझे याद है एक बार तुमने दशरथ जी की रक्षा की थी, देवासुर युद्ध चल रहा था और दशरथ जी के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हो गया था, दशरथ जी लगभग अचेत हो गए थे, तुम उनका रथ चला रही थी और तुम उनको वहां से ले आई और तुमने दोबारा उनको अच्छे ढंग से उनको खूब सेवा करके दोबारा से उनको ठीक किया था। तो दशरथ जी ने बोला था मैं तुम्हें दो वरदान दूंगा, उस समय तुमने दो वरदान मांगे नहीं थे, लेकिन दशरथ जी ने कहा था कभी भी समय पड़े दो वरदान मांग लेना, तो ब्लैंक चेक तेरे पास है। आज वो ब्लैंक चेक एंड कैश कर, वो दो वर मांग। बोले क्या वर मांगू, पहला वर कि भरत को राज मिलेगा और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, बस 14 वर्ष से कम नहीं, क्योंकि 14 वर्ष के अंदर भरत क्या कर लेगा, अयोध्या वासियों के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लेगा और उसके बाद भगवान राम को वनवास भेजना जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राम वनवास नहीं जाएंगे तो भरत अयोध्या वासियों का हृदय नहीं जीत पाएगा। तो कहा जाता है 14 वर्ष क्यों, तो इसमें दो टिप्पणियां दी जाती हैं। त्रेता युग में ये सिस्टम था कि अगर किसी कोई संपत्ति कोई व्यक्ति रहता है और संपत्ति का जो मालिक है 14 वर्ष तक उसको क्लेम नहीं करता तो जो संपत्ति में रह रहा है उसकी बन जाएगी, ये नियम था। द्वापर युग में ये 13 वर्ष था, इसलिए उनको पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास और 1 का अज्ञातवास। त्रेता युग में यह अवधि 14 वर्ष की थी। दूसरा एक कारण आचार्य हम देते हैं कि आगे जाके रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का वध होना था, मेघनाथ इंद्रजीत था, उसको कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन वही व्यक्ति इंद्रजीत को मार सकता था जिसने कम से कम 14 वर्ष तक पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और कोई सोया ना हो।
तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो लक्ष्मण जी से उनको मरना था, इसलिए 14 वर्ष आया। तो पूरा प्रशिक्षण दे दिया मंत्रा ने और बोला कि कई को कैसे करना है। बोले तू अब चले जाइयो अपने कूप भवन में। पुराने समय में महलों में अलग अलग कमरे होते थे अलग अलग उद्देश्य के लिए, तो रानी को जब गुस्सा आता था तो कूप भवन में चली आती थी। आजकल तो हमारा 2 कमरे का ही फ्लैट होता है तो हम कोई कूप भवन डिक्लेयर नहीं कर सकते, पूरा घर ही कूप भवन होता है। तो कूप भवन में जाके बैठ जाओ और अपने सारे आभूषण बिखरा दो, बाल खोल दो, सिंदूर मिटा दो, काले वस्त्र धारण कर लो बस, और दशरथ आएगा। दशरथ बहुत कमजोर पड़ जाते तुम्हारे सामने। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है दशरथ जी, दशरथ 10 दिशाओं में रथ भागता था, बहुत महायशस्वी थे, जगतपति थे, लेकिन कैकेयी के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाते थे। लेकिन उसको इतना कमजोर कर देना कि वो जब राम की शपथ लेगा तब तक मत मानना, वो बहुत तुम्हें लुभाएगा सब कुछ। जब तक वो राम की शपथ ना ले कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूरी करता हूं, मैं राम की शपथ लेता हूं, तब ये 2 वरदान मांगना, बोले तस से बस ना होना। बोले मंथरा तू मेरी असली हितेशी है। कह के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बोले दूसरों को तो इतनी सुंदर नहीं लगती होगी, बट आज तू मुझे बहुत सुंदर लग रही है, और तेरी सबसे सारी सुंदरता है तेरा कुबड़। तो एक बारी मैं रानी बन गई, तेरे इस कुबड़ के ऊपर स्पेशल नेकलेस बनाऊंगी सोने का, और इस कुबड़ के ऊपर मैं चंदन का लेप करूंगी। तेरा ये जो झुकना है ना, ये साधारण झुकना नहीं है। जब कमल का फूल के ऊपर हवा चलती है, कमल का फूल झुकता है, वैसे तू झुकी है, और तेरे शरीर का एक एक अंग ब्रह्मा जी ने बड़े सोच समझ के बनाया है। खूब उसकी तारीफ करती है और बोले इस सृष्टि में जितनी भी कुबड़ियां हैं उस सबकी तू महारानी बन जाएगी, सबकी सब तेरी दासियां बन जाएगी। तो इस प्रकार से बड़ी प्रसन्न हो गई कैकेयी। तो देखिए कैकेयी मंत्रा के इस प्रसंग में हमने कैकेयी की निंदा नहीं करनी है ना, भगवान की पार्षद है। अगर कैकेयी ने ये रोल प्ले नहीं किया होता, भगवान राम को वनवास ना होता, ये रामायण ना होती, रावण का वध ना होता, इतना कुछ हमें सीखने को ना मिलता, इतनी सुंदर लीलाएं का श्रवण करने को नहीं मिलता। तो कैकेयी ने केवल ये रोल प्ले किया है, उसकी निंदा नहीं करनी हमने, उससे सीखना है। क्या क्या सीख सकते हैं कैकेयी से? यहाँ पे कुछ जनरल बातें और कुछ आध्यात्मिक बातें। सबसे पहली बात क्या हम कैकेयी से सीख सकते हैं? कैकेयी ने मंथरा की शरण ली, तो हमें भी कभी उस व्यक्ति से शरण नहीं लेनी चाहिए जिसकी चेतना बहुत निकृष्ट हो। आप जाएं अपने ऑफिस में किसी व्यक्ति से बोले यार आजकल माला में मन नहीं लग रहा, ये कर क्यों रहे माला क्यों दिखावा कर रहे? कई बार हम दुखी होकर किसी से कुछ भी बात कर लेते हैं, तो हमें अपना हृदय किसके आगे खोलना है ये जानना चाहिए, किससे परामर्श लेना है। दूसरा, पति और पत्नी के बीच में जो बात है वो अपने घर के नौकर और नौकरानियों से नहीं करनी चाहिए, अपने एम्प्लॉय से नहीं करनी चाहिए। कैकेयी ने बार बार बताया हुआ था मंत्रा को मुझे 2 वर प्राप्त हैं, वो तो भूल गई थी, मंत्रा ने याद कराया, अब मौका आया 2 वर ले। अगर मंत्रा को ना बताती तो ऐसा होता भी ना। तीसरा, घर में हम कोई भी अपना नौकर इत्यादि रखें तो पूरी उसकी बैकग्राउंड जान लें, बाद में मालूम किया मंत्रा आई कहां से थी, किसी को नहीं पता कहां से आई थी। तो हम ऐसे लोग पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या इसका बैकग्राउंड है, कहां से है, तब उसको रखना चाहिए। ये तो साधारण बातें हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या सीखना चाहिए कैकेयी और मंत्रा को उसमें? क्या सीखने को मिलता है? विषय व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। असत संग से हमें दूर रहना चाहिए, और विशेषकर वो जो भगवान की और भक्तों की निंदा करे। इस चीज संग एक असाधु कृष्ण अभक्त आ,
कितना कुप्रभाव पड़ा केकई के ऊपर सत्संग के कारण, उसकी श्रद्धा उसका प्रेम द्वेष में बदल गया, उसकी सारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। भगवान राम से वो इतना प्रेम करती थी, भरत से ज्यादा वो राम से प्रेम करती थी। अब आगे हम जाके देखेंगे उसका हृदय इतना कठोर हो गया। केकई बहुत मृदुभाषी थे, बहुत मीठा बोलते थे, मंथरा के संग के बाद आगे हम देखेंगे बड़े कड़वे वचन बोलेंगे। केकई का हृदय बहुत कोमल था, बहुत कठोर हो गया। केकई बहुत बुद्धिमान थी, एक नंबर की वो मूर्ख बन गई गलत बातों में आके। इसलिए असत संग से बचना है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव को कैसे पहचानेंगे, वैष्णव कौन है, क्या बोला, वैष्णव वही है जो असत संग को त्यागता है। इसलिए आजकल तो बड़ा आसान है असत संग, आप सोशल मीडिया पे हम पता नहीं क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं, उल्टे से लोगों के विचारों को इतना ध्यान देते हैं, नहीं, इन सबसे बच के रहना है। तो इस प्रकार से जब ऐसा हुआ तो सारी तैयारियां चल रही है पूरे राज्य में, अगले दिन के लिए अभिषेक होना है, और दशरथ जी बड़े खुशी खुशी जाते हैं केकई के महल में। देखते हैं अरे केकई है नहीं, देखते हैं ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं कुंभ भवन में, बड़े हैरान होते हैं इतने शुभ मुहूर्त में केकई कुंभ भवन में कैसे पहुंच गई। वहाँ कुंभ भवन में देखते हैं तो केकई ने सारे आभूषण बिखरे हुए हैं, जमीन पर लेटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, सिंदूर मिटाया हुआ है। दशरथ जी घबरा जाते हैं, एकदम घुटनों के बल पड़ के केकई के चरणों में पड़ गए। केकई क्या हो गया, किसने तुम्हारा अपमान किया, या तुम्हारे कुछ शरीर में रोग है, अभी बताओ, अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाता हूँ, या किसने तुम्हारा अपमान किया। केकई उत्तर ही नहीं दे रही। दशरथ जी की चिंता और बढ़ जाती है, बोले तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, जो चाहोगे मैं करूंगा, राम के अलावा मुझे तुम्हारे और राम के अलावा मुझे कोई प्रिय नहीं है, इसलिए मैं वचन देता हूं मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। ऐसे दो तीन बारी वो दोहराते हैं। जब उन्हें राम का नाम दिया और राम के नाम लेकर वचन दिया, तब केकई मुड़ी। आपको याद होगा पूरी कथा सुनाती है, आपने दो वरदान देने थे, बोले हाँ हाँ दो क्या चार मांगो दूंगा, बोलो क्या चाहिए। बोले पक्का आप वचन दे चुके। हाँ वचन दे चुका हूं, बोलो। पहला कि आप जो अब तैयारियां हो रही हैं राज्य अभिषेक की, और राम के नहीं भरत के लिए होंगे, तो थोड़ा सुनकर अजीब लगता है। और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन में वनवास के लिए जाना होगा, पूरे वृक्ष छाल डाल के तपस्वी की तरह। जब दशरथ जी ये सुनते हैं तो उनको कानों पर विश्वास नहीं होता, क्या 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 राम राम को क्यों, मूर्छित हो जाते हैं। फिर दोबारा से उठते हैं, बोले केकई भरत को राज्य अभिषेक करने दो, मुझे कोई दुख नहीं है, राम को यहाँ रहने दो, बिना राम के मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं नहीं रहूंगा तुम विधवा हो जाओगी। केकई का हृदय इतना क्रूर है, बोले आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपने वचन दिया था, आप वचन से क्यों मुकर रहे हैं। दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं, पूरी रात दशरथ जी मूर्छित होते हैं। फिर आते हैं, कभी केकई को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तुम उल्टा हो, तुम्हारा हृदय इतना कठोर है, मैंने तुम पे गलत विश्वास किया। फिर बड़े विनम्र हो जाते हैं, उसके पांव पड़ते हैं, ये अपने वचन वापिस ले लो। फिर बोलते हैं, मैं परवाह नहीं करता, मैं अपने वचनों को पूरा नहीं करूंगा, जाना कहीं भी जाओ, मैं राम को वनवास नहीं भेजूंगा। पूरी रात ये खेल चलता रहता है। वहां जो केकई है टस से मस नहीं होते, उसका हृदय इतना क्रूर हो चुका है, मंथरा ने इतना जहर डाल दिया उसके अंदर। अब सोचिए इतना हृदय क्रूर हो रहा है, उसके जो इतने प्रिय पति हैं वो कह रहे हैं कि मैं, मेरी जान चली जाएगी, मेरा जीवन चला जाएगा, लेकिन केकई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये ऐसे जब पूरी रात निकल जाती है और सुबह हो गया, और वशिष्ठ मुनि आते हैं, बोले सब तैयारियां हैं चारों तरफ, लोग भी जल्दी उठ गए, सब अपने घरों को सजा रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, पुष्य अभिक्षेत्र पुष्य नक्षत्र आ गया है, राम जी आने वाले हैं। और वशिष्ठ जी बोलते हैं सुमंत्र को, चाहे अरे कहाँ है हमारे दशरथ जी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया वो उठे नहीं, उनको बुला के लाइए, और सब तैयारियां हो चुकी हैं, उनको बोलिए सारे के सारे पवित्र नदियों से जल आ गया है, सोने के कलश हैं, सारी सामग्री तैयार है, वो जल्दी आए। सुमंत्र तुरंत पहुंच जाते हैं। सुमंत्र दशरथ के बहुत पुराने मंत्री हैं और बहुत कॉन्फिडेंशियल थे,
तो उनके पहुंच जाते हैं कई कई महल तक पहुँच जाते हैं, बड़े भवन मिलते हैं तो खूब भवन है, वो भी हैरान होते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो बड़ा विचित्र सा वातावरण देखते हैं। दशरथ जी लगभग अचेत अवस्था में है, तो बोले दशरथ जी आप चलिए। तो कई सोचते हैं क्या हो गया राजा को, बोले पूरी रात राम का अभिषेक होना है, इस खुशी में इनको नींद नहीं आई, ऐसे झूठ बोल रही है। और फिर बोलती है कि आप राम को बुला कर लाइए। तो सुमंत्र बड़े अनुभवी थे वो, तो समय कुछ गड़बड़ है, वो दशरथ की तरफ देखते हैं और दशरथ से कहने लगते हैं। तो दशरथ बोलते हैं जाओ मेरे हृदय को मत तोड़ो, राम को बुला के लाओ। तो वो जाते हैं भगवान राम के पास, भगवान राम ने बहुत सुंदर कमल के फूलों में माला डाली हुई है और पूरी रात उन्होंने यज्ञ किया था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, सीता मैया के साथ बैठे थे। और सुमंत्र आते हैं कि दशरथ बुला रहे हैं, तो भगवान राम सीता को कहते हैं पिताजी अवश्य मुझे अभिषेक के लिए बुला रहे होंगे, अभी आता हूँ। बाहर लक्ष्मण भी तैयार खड़े हैं, हाथ जोड़ के दोनों रथ पे बैठते हैं और चलते हैं। लक्ष्मण बाहर खड़े होते हैं, भगवान राम अंदर जाते हैं। तो अंदर जाते हैं तो वो भी देखकर हैरान हो जाते हैं पिताजी की ऐसी स्थिति, कि कहीं से बोलते हैं पिताजी को क्या हो गया। बोलते हैं पिताजी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हिचक रहे हैं, इन्होंने मुझे दो वरदान दिए थे, वो दो वरदान मैंने उनसे आज मांगे, लेकिन अब ये एक पुरुष की तरह शक्ति नहीं दिखा रहे, एक नपुंसक की तरह कमजोर हो रहे हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करने में, अपने वरदान को पूरा करने में। अगर तुम मुझे वचन देते हो कि ये तुम इच्छाएं पूरी कर दोगे तो मैं कहूंगा। भगवान राम को बड़ा दुख होता है, बोले आपको मेरे पे इतना विश्वास नहीं है कि आप मुझसे वचन ले रहे हैं, आप बेहिचक कहिए, अगर आप ये और पिताजी की प्रसन्नता के लिए मुझे अग्नि में भी प्रवेश करना पड़े तो मैं प्रवेश करूंगा, आप कहिए। तो कैकेयी इतनी कठोर हृदय की हो गई, साफ साफ उसने बोल दिया कि जो ये तैयारियां हो रही हैं इसमें भरत का अभिषेक होगा और तुम्हें 14 साल के लिए वन में जाना है एक तपस्वी के वेश में। अब सोचिए भगवान राम के अभिषेक की तैयारी है, उन्हीं को ये बोला जा रहा है, भगवान राम टस से बस भी नहीं हुए, वो मुस्कुराते रहे, अरे बस इसी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वन में जाऊंगा, मेरी इच्छा भी थी, मैं वहां साधु संतों का संग करूंगा और भरत को राज्य मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत भरत को बुलाइए, एकदम प्रसन्नता से बोलते हैं। देखिए भगवान राम बहुत कुछ सिखाते हैं, ये जो हमारा भौतिक जीवन है, ये भौतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा भक्त है जो ये कह सकता है मेरे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए? नहीं ना, हम सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हमें बहुत चिंता हो जाती है कि जो प्राप्त हो रहा है वो निकल ना जाए, जो है वो सुरक्षित रहे, हम इसमें चिंताग्रस्त रहते हैं। भगवान राम राजा बनने वाले थे, बोले अब नहीं, अब 14 वर्ष के लिए बाहर जाओ, टस से मस नहीं हुए। तो भगवान राम हमें क्या सिखा रहे हैं कि जितने भी नकारात्मक परिस्थितियां भी क्यों ना आ जाए उसको बड़े सकारात्मक तरीके से उसको सहना चाहिए। एक बार परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज ने जब पूछा सहनशीलता की क्या परिभाषा है, टॉलरेंस, ने बताया, महाराज ने बताया टॉलरेंस मीन्स डीलिंग नेगेटिविटी विथ पॉजिटिविटी, नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक तरीके से डील करना, यही टॉलरेंस है। और यही भगवान राम अपने व्यक्तिगत जीवन से सिखा रहे हैं। देखिए आप में से किसी ने अपना ECG करो कराया, ECG करा, अप डाउन होता है ना, ECG ऐसा है, इसका मतलब जीवन है। जब जीवन चला जाता तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम बोले हमारे लाइफ में अप डाउन ना हो, स्ट्रेट लाइन हो जाए, इसका मतलब क्या है, जीवन नहीं। और विशेषकर भक्तों का जीवन तो बहुत ज्यादा कई बार हम भक्ति में आते हैं प्रभु जी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, शांति चाहिए शांति, नहीं, भक्ति के जीवन में मिस शांति मिसेस शांति कोई नहीं। वृंदावन में बड़ी शांति थी, जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए सारी शांति चले गई, रोज असुर आता था, रोज मारधाड़ होती थी, रोज चिंता होती थी अब क्या होगा, सब कृष्ण की शरण लेते थे फिर सब ठीक हो जाता था।
फिर अगले दिन फिर ऐसा है ना, अभी प्रलंबा सुर का वध किया सब ठीक हो गए, फिर से रात को अग्नि लग गई और सॉरी कालिया का दमन किया सब यमुना के तट पे आराम से विश्राम कर रहे हैं, रात को पूरा जंगल में आग लग गई, फिर से भगवान के पास गए। रोज कुछ ना कुछ होता रहता था, जब तक कृष्ण नहीं थे सब शांति थी। तो हमारे जीवन में अगर कृष्ण आ रहे हैं तो खूब हलचल मचेगी, उस हलचल के बीच में जो एक सीधी लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कई बार भक्ति करते हम नाराज हो जाते हैं, क्यों? हम गलत अपेक्षाएं रखते हैं, गलत आशाएं रखते हैं। क्या मैंने हरि नाम लेना शुरू किया है अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक ठीक चलेगा, क्यों मैं भगवान का इतना प्रिय भक्त हूँ, भगवान तो लिखा है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, मेरे बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरी सारी आर्टरीज खुल जाएंगी, रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाएगी, सारा लोन अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं हरि नाम ले रहा हूँ। भगवान भगवान की शरण लेने का ये मतलब नहीं है, तो ये गलत अपेक्षाएं रखना है ना, और हम भगवान से झूठे वायदे करते भी नहीं। तो कहाँ थे हम, भगवान ने बोला ये आप ये तो बहुत साधारण सी बात है। तो भगवान देखिए मुझे खुशी होती अगर मेरे पिता दशरथ स्वयं ये बात कहते, तो दशरथ ने ये सुना, दशरथ जी को बहुत कष्ट हुआ, दशरथ अपने आप रो रहे थे, बोले कितने दुख की बात है भगवान राम मुझे छोड़कर जाएंगे, कितने दुख की बात है। फिर भगवान राम ने कैकेयी को फिर से आश्वासन दिया, बोले मैं काम वासनाओं और लालच के लोभ में कभी भी अपने सिद्धांतों पे समझौता नहीं करूंगा, मैं ऋषियों की तरह हमेशा धर्म का पालन करता हूं, मेरे लिए एक छोटे राज्य का राज्य त्यागना कुछ भी नहीं है। आप मुझे ऐसे ही कह देते, आपको दशरथ जी से वर मांगने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप मुझे ऐसे ही कह देते तो मैं चला जाता, फिर भी जैसे आपकी इच्छा। वो दशरथ जी को कैकेयी को प्रणाम करते हैं और बाहर निकलते हैं, बाहर लक्ष्मण खड़े हैं बड़े गुस्से के साथ, अभी तो कुछ बोल नहीं रहे, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और सुमंद्र कहते हैं रथ पे बैठे, बोले नहीं अब हम रथ पे बैठेंगे नहीं, और नंगे पांव चलते हैं और सब हैरान हो रहे हैं कि भगवान राम रथ पे क्यों नहीं बैठ रहे। लेकिन लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम निकलते हैं, सबसे पहले जाते हैं कौशल्या जी के पास, तो कौशल्या के पास जाते हैं, कौशल्या बहुत बहुत आनंद में है कि वो क्षण आ गया, आगे आगे मेरे बेटा वो अब तो होने वाला है। तो देखते हैं भगवान राम का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ है, क्यों? इसलिए नहीं कि राज्य अभिषेक नहीं होगा, इसलिए कि वो भगवान अपनी माँ से दूर जा रहे हैं। तो बड़े ही कम से कम उनको आघात पहुंचाते हुए भगवान राम ने बोला माँ अभिषेक होगा लेकिन तुम्हें 14 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले क्यों? और बड़े ही मैटर ऑफ फैक्ट सारी चीजें बता दी कि कैकेयी ने दशरथ जी से वर मांगा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा और भरत को युवराज बनाया जाएगा। कैकेयी फूट फूट के रोना शुरू कर देती है, अरे ये क्या है, और कैकेयी बोलती है ये सुनने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई, इससे अच्छा मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया होता। फिर बोलते हैं राम एक बात हो सकती है क्या कि तुम यहाँ रह जाओ मैं वन में चले जाऊं, बोला ऐसा नहीं हो सकता। फिर बोले क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ वन में जाऊं, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम देखेंगे अभी जो भी संवाद होंगे इन संवादों में भावनाएं तो हैं लेकिन भावनाओं के साथ साथ कोई भी भक्त अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर रहा है साथ में वो सिद्धांत देगा। भगवान राम कह रहे हैं तुम एक पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य है पति के साथ रहना। कैकेयी से अब विश्वास उठ गया है दशरथ जी का, अब हमें आपके संग की आवश्यकता है, आप मेरे साथ वन में चली जाएंगी तो दशरथ जी की सेवा कौन करेगा, पत्नी का कर्तव्य है हमेशा पति की सेवा करे, तो आप हमेशा यहाँ रहिए। तो कैकेयी कौशल्या बेचारी असहाय हो जाती है, तब लक्ष्मण जी जिन्होंने अपने आप को बहुत रोक रखा था वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बोले हद हो गए हमारे पिताजी सत्या गए हैं, एक काम वासनाओं के कारण अपने पत्नी से इतने मोहित हो गए हैं कि आपको वनवास दे रहे हैं राम, अभी हम आक्रमण करते हैं पिताजी को जेल में डालते हैं और तुम्हें राजगद्दी पे बिठाते हैं, और अगर सारे सारे अयोध्या वासी भी इसका विरोध करते हैं तो मैं सब अयोध्या वासियों का वध कर दूंगा और आज तुम्हें राज सिंहासन पे बैठ के रहूंगा। इतना क्रोध दिखाते हैं, भगवान राम कहते हैं इतना क्रोध मत दिखाओ,
ये सब विधि का विधान है कि कई को दशरथ पे आरोप मत लगाओ, ये तो केवल उपकरण बने हैं, जो होना तो होना ही था। लक्ष्मण बोलते हैं ये क्षत्रियों का स्वभाव नहीं है, क्षत्रियों को अपने बाजू बल पे विश्वास होता है। विधि के विधान ये सब कमजोर लोगों की बातें हैं, मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं अभी विद्रोह करता हूं। तो ये बात हो रही है, सिद्धांत पे बात हो रही है। भगवान जी देखिए दो प्रकार के वाद होते हैं, एक होता है कर्मवाद, एक होता है देववाद। कर्मवादी कहते हैं सब कुछ अपने कर्म से बदल सकते हैं, और देववाद होते हैं कि जो विधाता ने दिया उसमें संतुष्ट रहो। तो आप किस पार्टी के हैं, कर्मवाद के देववाद के? लक्ष्मण जी की तरफ है, राम जी की तरफ है आप? देववाद की कर्मवाद बताइए, कितने लोग कहते हैं कर्मवाद, कर्म करो अपने भाग्य को सुधारो? कोई नहीं। कितने लोग देववाद हैं? कितने कंफ्यूज हैं? तो वास्तव में दोनों का ही मिश्रण है। पुराणों में वर्णन आता है जो भी हमारे जीवन में घटित होता है देव कर्म और काल के प्रभाव से होता है। भगवान गीता में कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मम च पृथक विदा विविधांश पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कार्य होने के लिए पांच चीजें चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर में आत्मा चाहिए, इंद्रियों चाहिए, इंद्रियों के साथ प्रयास, और अंत में देव, देवम चैवात्र पंचमम। लेकिन राम और लक्ष्मण इस प्रकार से बहस हो रही है, और राम जी लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। राम कहते हैं आप जितना मुझे इस मेरे पिताजी की आज्ञा को पालन करने में रोकेंगे उतने मेरा दुख बढ़ेगा। और भगवान राम ने लक्ष्मण को बताया मेरा उद्देश्य, बहुत सुंदर बात बताई तो हमें समझनी चाहिए, मेरा उद्देश्य राज्य को प्राप्त करना नहीं है, मेरा उद्देश्य पिताजी को प्रसन्न करना है। और विशेष बात है भक्ति में भी हम आते हैं हम भूल जाते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं है, उद्देश्य शीला प्रभुपाद गुरु को प्रसन्न करना है। बोले मेरा उद्देश्य राज्य नहीं है, मेरा उद्देश्य पिता को प्रसन्न करना है, तो इसीलिए मुझे वो आज्ञा का पालन करने दीजिए। मैं यहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा पिताजी को जेल में डाल के मैं राज सिंहासन, ये मुझे राज्य नहीं चाहिए। जब कौशल्या माता ने देखा कि भगवान राम इतने दृढ़ संकल्प हैं तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम जाओ और सारे के सारे देवतागण तुम्हारी रक्षा करें, सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र तुम्हारी रक्षा करें, पृथ्वी अग्नि जल वायु सारी सारी दिशाएं तुम्हारी रक्षा करें, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। और फिर कौशल्या माता क्या करती है, बहुत सुंदर बात करती है, जितने भी ब्राह्मण एकत्र हुए थे भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए उन ब्राह्मणों को अब आज्ञा देती है आप यज्ञ कीजिए राम की रक्षा के लिए। देखिए पहले भी यज्ञ होना था अब भी यज्ञ होना है, उद्देश्य बदल दिया। क्यों? त्रेता युग में युग धर्म क्या था, यज्ञ करना। इसी प्रकार से चाहे हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए हमारा यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से कौशल्या के साथ बातचीत करके अब भगवान राम सीता के पास जाते हैं, और सीता को भी बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट बताते हैं, सीता बड़ी प्रसन्न थी आप आगे, लेकिन भगवान राम के हाव भाव को देखने कुछ अजीब से हैं। बोले ऐसा ऐसा हुआ है कि कहीं ने मुझे बताया है मुझे जाना पड़ेगा 14 वर्ष के वनवास के लिए, और भरत को राज्य बना जा रहा है, मैं तुमको ये बस बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ और तुम पूरा भरत का सहयोग देना, पीछे से कौशल्या और दशरथ जी की सेवा करना। ठीक है सीता, ये क्या है 14 वर्ष के लिए ऐसे ही जा रहे हो कि अभी आ रहा हूँ बस, ये क्या है? कि भगवान राम ने सोचा ऐसे बड़ी बात बतानी नहीं, छोटी सी बात आना जा रहा हूँ और तुम सेवा करना, क्या है? अब सीता मैया सिद्धांत बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा भी होता है बहस भी होती है सिद्धांतों भी होती है। सीता मैया कहती हैं इस संसार में पिता का माता का पुत्र का पुत्र वधु का अपना एक अलग अस्तित्व है, लेकिन पत्नी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, पत्नी का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व, आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसको मत नापना जो रामायण में लिखना दोहरा रहा हूं ना। बोले पत्नी का कोई इसमें अस्तित्व नहीं है, पत्नी पूर्ण रूप से अपनी पत्नी की इच्छा पर निर्भर है, पति की इच्छा पर निर्भर है।
और मैं तो अभी अर्धांगनी हूं। अर्धांगनी का अर्थ है आपके दुखों को आधा करना, आपके सुखों को डबल करना। ये विशेष अर्थ होते हैं। माता जी लोग तालियां बजा सकते हैं इसमें ना। मैं दुखों को आधा करती हैं, सुखों को डबल करती हैं। प्रभु जी लोग को डाउट्स हो रहे हैं कुछ। वो बोल रहे हैं प्रभु जी कहीं हम उल्टा तो नहीं बोल रहे। फिर से मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं दोहरा रहा। तो सीता मैया बोलती हैं, मैं कैसे आपके बिना रह सकती हूँ यहाँ पे। भगवान राम बोलते हैं, देखो जंगल आपको लग रहा बड़ा रोमांटिक जगह है, अच्छी अच्छी पहाड़ हैं, नदियां हैं, कमल दिखेंगे, पक्षी दिखेंगे, उनकी आवाजें सुनाई देंगी। ये नहीं है। भगवान राम जी बड़ा एकदम ग्राफिक प्रेजेंटेशन देते हैं, शेर दहाड़ेगा अचानक और कांटे होंगे और तुम इतने कोमल हो, कोमल तुम्हारे पांव हैं और कांटे चुभेंगे, राक्षस आ जाएंगे, नरभक्षी राक्षस हैं जंगलों में, और रात को जब पानी के गिरने की आवाज इतनी डरावनी है, और यहाँ पर तुम मखमल के गद्दों पर सोती हो, वहां चट्टानों पर सोना पड़ेगा, धूप होगी, बारिश होगी, तेज तूफान आएगा, पूरा ऐसे सुनाते हैं, पूरा ग्राफिक प्रेजेंटेशन डराने के लिए। सीता मैया बोलती हैं, सूर्य की अग्नि के सामने जो आपकी विरह की अग्नि है कुछ भी नहीं है। और जो बड़ी बड़ी तकलीफें हैं आने दो, क्योंकि तकलीफें जितनी ज्यादा तकलीफें मेरे को आएंगी उतना ज्यादा मैं आपकी शलाकत होंगी, उतना ज्यादा मैं आपकी शरण लूंगी और मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं आपके लिए कुछ कंदमूल काट के बनाऊंगी, आपको सर्व करूंगी, मुझे अपने साथ रखिए। भगवान राम टस से मस नहीं होते। अब सीता मैया के पास एक आखिरी हथियार था, है ना, और उन्होंने अब भगवान राम का अपमान किया और अपमान में एक बहुत श्लोक बोला उन्होंने ना। ये श्लोक आपको स्क्रीन में दिखाते हैं। तो सीता मैया ने कहा भगवान राम को कि आ गया श्लोक, बोलते हैं कि किम त्वा अमन्यता वेदेह पिता में मिथिलाधिप राम जामतरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रह। बोले आज मेरे पिता जनक यहाँ पर होते तो बोलते मैंने किससे आपका विवाह कर दिया, फालतू में अयोध्या वासी आपका गुणगान करते हैं, आप तो पुरुष के वेश में स्त्री हैं, स्त्रियम पुरुष विग्रह। बोले आपको अपनी स्त्री की रक्षा करनी नहीं आती, इतना आप डर रहे हैं। आप सोचिए भगवान राम के मुख पे आप बोल रहे हैं, आप पुरुष नहीं आप स्त्री हैं। तो भगवान एकदम जाते हैं कि क्या कह रही है, लेकिन अब इसका कोई गलत उदाहरण नहीं लेना, ये श्लोक याद कर ले आप। बोले हम तो सीता के फॉलोअर हैं। लेकिन प्रेम से बोला गया, तो किसी भी हालत में वो राम का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर भगवान राम से पूछा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। बोले अब क्या प्रश्न हो गया, आप बताओ स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है। भगवान बोले क्या, अभी इतना बड़ा श्लोक सुना दिया, अब बोले स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है। बोले आप ही बताओ। बोले जहां आप हैं वो स्वर्ग है, जहां आप नहीं हैं वो नर्क है। बस तो बोले जंगल में जितनी मर्जी तकलीफें हो जाए, मैं अयोध्या में रहूं आपके बिना तो मेरे लिए नर्क है। तो वैसा जब कहा तो भगवान राम ने सीता मैया का आलिंगन कर लिया। बोले ठीक है, अब तैयार हो जाओ, जितना भी तुम्हारे पास धन है और आभूषण है सब दान में दे दो। एक पहली परीक्षा थी, सीता मैया को बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई, सब ब्राह्मणों को बुलाया, अपना सब कुछ दान में दे दिया। लक्ष्मण जी सब सुन रहे थे। लक्ष्मण जी भगवान के पाँव पड़ जाते हैं, मैं अभी आपके साथ चलूंगा, और वैसे भी चलना ही है, ये तो ऑब्वियस है। बोल बोले क्योंकि जब आप कौशल्या से बात कर रहे थे, आप कह रहे थे हम जा रहे हैं, आपने एक वचन में बात नहीं किया, आपने द्विवचन में बात नहीं किया, आपने बहुवचन में बात किया। मैं तो जा ही रहा हूँ आपके साथ, और मैं जानता हूँ आप इतने विनम्र हैं, कभी भी अपने आप को मैं नहीं बोलते, हम कह रहे हैं, मतलब आपने मेरे और सीता मैया के लिए बात की है। भगवान राम मुस्कुराए, बोले नहीं लक्ष्मण, वास्तव में तू मेरे भाई भी नहीं हो, तू मेरे स्निग्ध हो, मेरे सेवक हो, मेरे सब कुछ हो,
लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी आवश्यकता अयोध्या में ज्यादा है। पिताजी को, दशरथ को आपकी आवश्यकता है, कौशल्या सुमित्रा माता को आपकी आवश्यकता है, ये बहुत संकट की घड़ी है। लक्ष्मण ने बोला, क्या मेरी आवश्यकता है? आप और सीता मैया जंगल में जाएंगे, आपके लिए कंदमूल कौन लेकर आएगा? आप कहाँ रुकेंगे? आपके लिए कुटिया कौन बनाएगा? आपका सामान कौन उठाएगा? अगर मैं नहीं हूं साथ में, आपको कंदमूल लेने जाने हैं, कुटिया के लिए सामान लेने, आप सीता मैया को अकेला छोड़ के जाएंगे? मैं आगे आगे चलूंगा, जो रास्ते में कांटे हैं उसको साफ कौन करेगा? तो मेरी आवश्यकता तो वहां ज्यादा है। और दशरथ जी के देखभाल तो भरत करेंगे, भरत पूरा आपका पालन करते हैं, वो भी बहुत सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। और साथ में यहाँ गई कौशल्या, कौशल्या के पास हजारों गांव हैं, वो अपने आप को क्या मेरे जैसे सैकड़ों लक्ष्मणों का पालन कर सकती है? बोलते हैं, कौशल्या को मेरी आवश्यकता नहीं है, दशरथ को मेरी आवश्यकता नहीं है, अयोध्या को मेरी आवश्यकता नहीं है, आपको भी मेरी आवश्यकता नहीं है, राम मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं आपकी सेवा के बिना कैसे रह सकता हूँ? कल्पना भी नहीं कर सकता आपकी सेवा के बिना मैं रह सकता हूँ। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से एक पानी में मछली भी होती है और पानी में जो नीला कमल भी खिलता है, तो इसी प्रकार से आप अयोध्या के इस बड़े टैंक में आप वो पानी है, सीता मैया वो कमल है और मैं वो मछली हूँ। ये पानी बाहर जा रहा है, कमल को तो आप लेके साथ में जा रहे हैं, मछली को पीछे छोड़ रहे हैं, मछली जल के बिना कैसे रह सकती है? ये कहकर रोते हुए लक्ष्मण जी ने भगवान राम के पांव पकड़ लिए और सीता मैया को देखने लगे कि आप कुछ कहिए। और सीता मैया ने भगवान राम को इशारा किया, ले जाइए। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उठाया और गले लगा लिया और बोले, चलिए अब तैयार हो जाइए, सुमित्रा माता से आज्ञा लेकर आइए, वशिष्ठ जी का आशीर्वाद लेकर आइए और जितने हमारे अस्त्र शस्त्र हैं सब इकट्ठे करिए और जल्दी से हमें तुरंत निकलना है। तो इसके बाद लक्ष्मण जी सब कुछ वशिष्ठ से आशीर्वाद लेते हैं और तीनों जब इकट्ठे होते हैं, चलते रहे आगे कि रुक जाए, हम लोग बताइए, हम लोग बहुत लेट शुरू करते हैं 6:30 बजे, तो जैसा आप लोग कहेंगे हम चलेंगे आगे 15-20 मिनट और चित्रकूट तक पहुंचा देते हैं। तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं आप करिए और उसके बाद क्षमा कीजिए। हाँ, तो आज्ञा लेकर जाते हैं लक्ष्मण जी तुरंत और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अब आ जाते हैं और तीनों नंगे पांव जा रहे हैं दशरथ जी से मिलने, अंततः दशरथ और कैकेयी से आशीर्वाद लेने के लिए। और जब वहां वो पहुंचते हैं, सारा का सारा नगर रो रहा है ना, सब जगह ये बात फैल गई थी। जैसे ही राम कैकेयी के महल से पहले बाहर निकले थे, पूरे महल में चित्कार मच गई थी। अब सोचिए, भगवान हमसे इतना प्रेम करते थे, सबको मालूम चल रहा है, भारत के राजा बनने का किसी को इतना दुख नहीं था कि राम बाहर जा रहे हैं, चित्कार मच गए। जो चित्कार सुनी थी, दशरथ जी ने शर्म से अपना सर छुपा लिया था, सब मेरे कारण हो रहे हैं, दशरथ जी को बहुत ग्लानि हो रही थी। और जब वहाँ पहुँचते हैं भगवान राम दशरथ के महल में, कैकेयी के महल में पहुँचते हैं और बोलते हैं, मैं अब अपना आशीर्वाद लेने आया हूँ, तो सब के सब बहुत रो रहे हैं। और दशरथ कहते हैं, राम एक दिन और रुक जाओ। बोले, नहीं पिताजी, आज्ञा का पालन तुरंत होना चाहिए। फिर वो कहते हैं, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं पिताजी, आप नहीं जा सकते, ऐसा वर में नहीं था। तो भगवान दशरथ सुमित्रा को बोलते हैं, सुमित्रा ऐसा करो, सारे के सारे सैनिक तैयार करो, जितने भी धन है सब साथ में ले जाओ, नौकर चाकर ले जाओ, हम जंगल को अयोध्या बना देंगे और हम सब वही रहेंगे ना। सबके चेहरे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि कई हो जाते हैं। बोले, क्या सबका सब वहां ले जाओगे तो भरत किस पे राज्य करेगा? दशरथ ने बोला, ये कोई वरदान की शर्त नहीं थी। लेकिन भगवान राम कहते हैं, नहीं पिताजी, आप अपना संयम मत खोइए, है ना, मुझे जाने दीजिए और मैं तपस्वी की तरह जीवन जीना चाहता हूँ, आप मुझे मत रोकिए। बस मैं कैकेयी माता से ये निवेदन करूंगा कि अपनी दासियों को बोलकर जो वृक्ष छाल है या जो वृक्ष की छाल है वो हमें दे दें, ताकि उसको ग्रहण करके हम जाएं। और कैकेयी इतनी बेशरम थी, इतना निर्लज हो गई थी, खुद गई राम और लक्ष्मण के लिए पूरा वृक्षों की छाल लेकर आई, और तो और सीता मैया के लिए भी लेकर आई। और जैसी सीता मैया वृक्ष की छाल डालने लगी,
राम और लक्ष्मण को तो आदत थी क्योंकि विश्वामित्र जी हमारे 12 साल गुरुकुल में उनके साथ घूमे थे। सीता मैया वृक्ष की छाल नहीं डाल पा रहे थे तो उनको कष्ट हो रहा था। ये वशिष्ठ से नहीं देखा गया। वशिष्ठ बड़े गुस्से में कैकेयी को डांटते हैं कि तुम ऐसी कुंटा स्त्री इस वंश में आ गई हो जो पूरे वंश का नाश कर रही है। सीता मैया को तो ऐसा कोई नहीं था जंगल में भेजने का, वो तो अपनी इच्छा से जा रही है, तो उसको तुम क्यों ये वृक्ष की छाल डलवा रही हो। तो कई टस्से मस्ते हुई लेकिन भगवान राम ने बोला रहने दीजिए और सीता मैया के साड़ी के ऊपर भगवान राम ने उनको मदद की कि वृक्ष की छाल डाले। अब सुमंत्रा से भी नहीं देखा जा रहा, सुमंत्रा फूट फूट कर रो रहे थे और उन्होंने कैकेयी को बहुत गालियां दी और कैकेयी को सुनाया कि तुम जो कर रही हो तुम अपने पति को खो बैठोगी। और एक कहानी सुनाई, बोले तुम्हारे पिताजी हैं अश्वपति, उनको ये वरदान प्राप्त था एक ऋषि से कि वो पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। और एक बार वो अपनी पत्नी के साथ बैठे थे और एक पक्षी ने कुछ बोला, उसकी भाषा वो समझ गए तो आपके पिताजी ने हंसना शुरू कर दिया। जब हंसना शुरू कर दिया तो आपकी माँ ने सोचा शायद मुझे देखकर हंस रहे हैं। बोले बोलो क्यों हंस रहे हो? बोला नहीं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऋषि ने जब वरदान दिया था तो बताया था कि आपने किसी को बताना नहीं कि पक्षी क्या बातचीत करते हैं, जिस दिन आप बता दोगे आप अपना शरीर त्याग दोगे। पत्नी जिद करने लगी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोले नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, पक्षी ने कुछ ऐसी बात बोली थी मैं हंस रहा हूँ। बोले बोलो क्या बोला था बताओ, तुम छुपा रहे हो। बोले बताऊंगा तो मैं शरीर खो बैठूंगा। बोले मरने तो आपको, मुझे बताओ पहले। बोले मेरा मजाक उड़ा दिया आपने, ऐसे पति का फायदा क्या, आपको मरना है मरो, मुझे बताओ क्या है। बोले कमाल है, अगर तुम चाहते। बोले हाँ मुझे पूछ बताना है आपने क्या बोला। सोच बोले ऋषि जी से पूछ के आता हूँ। तो ऋषि के पास गई, पत्नी ऐसा जिद कर गया। बोले वो मूर्ख है, बिल्कुल मत बताना। तो आपके पिताजी को दृढ़ता आगे, बोले नहीं बताऊंगा। तो इसी ढंग से तुम क्यों जिद कर रही हो, दशरथ जी से क्यों जबरदस्ती वरदान ले रहे हो, वापिस ले लो, अभी भी समय है। मैं बता रहा हूँ जब राम चले जाएंगे दशरथ जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन इतना कठोर हृदय हो गया था, मंत्र ने इतना जहर डाल दिया था, वो नहीं मानी। और फिर राम लक्ष्मण और सीता सब निकलते हैं। दशरथ जी सुमंत्रा को बोलते हैं इनको बाहर तक छोड़ के आओ, और वो रथ पे बैठते हैं। पूरी की पूरी अयोध्या चल रही है, पूरी अयोध्या में मातम आ गया था, सब रो रहे थे, सब राम को पुकार रहे थे। और जैसे से रथ आगे जा रहा था दशरथ रो रहे थे, राम को बार बार पुकार रहे थे, जमीन पर गिर रहे थे, उठ रहे थे, राम को पुकार रहे थे। और सुमंत्रा जो थे, दशरथ बोलते थे सुमंत्रा रथ को रोको, सुमंत्रा रथ रोक रहे थे, राम बोलते रथ को तेज चलाओ, वो चलाते थे। बोले क्या करूं वो मेरे राजा हैं। बोले नहीं, इस समय तुम जितना यहाँ रुकोगे उतना उनको कष्ट होगा, अब तुम उनकी आज्ञा की अवज्ञा करो, उनका कहना मत मानो, मेरी बात मानो, तेजी से चलाओ। तो तेजी से चलाने लगे, दशरथ भागते भागते गिर गए। तब तक पीछा किया जब तक वो धूल उड़ती उनको दिखाई दी। लेकिन भगवान राम जब जा रहे थे अयोध्या पार कर रहे थे तो पीछे पीछे ब्राह्मण भी दौड़ रहे थे, और कुछ एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण थे जिनसे दौड़ा नहीं जा रहा था, शरीर कांप रहा था। भगवान राम से देखा नहीं गया कि ब्राह्मणों को इतना कष्ट दूं। उन्होंने सुमंत्रा को बोला रथ रोको, और भगवान रथ से नीचे उतरे और पैदल चले। ये सारे अयोध्यावासी पैदल चल रहे हैं, मैं भी पैदल चलूंगा। और पैदल चल के वो सब अयोध्या पार करते हैं, तमसा नदी के तट पे पहुंचते हैं। संध्या हो जाती है तो भगवान राम बोलते हैं यहाँ विश्राम करेंगे। सारे पूरे जगह थी सब भर गया, सब जगह लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, वृक्षों के ऊपर सब जगह। रात्रि का समय आया, सब विश्राम करने लगे, सब सो गए। भगवान राम चुपके से सुमंत्रा के पास गए, बोले उठो रथ निकालो चलते हैं। मैं नहीं चाहता मेरे कारण अयोध्या वासियों को कष्ट हो, लेकिन रथ को इस ढंग से निकालना कि जब ये सुबह उठें इनको पता ना चले आप किस दिशा में गए, आगे पीछे इधर उधर करके, ताकि रथ के पहियों के चिन्ह देखेंगे इनको पता नहीं चलेगा। सुमंत्रा ने ऐसे किया और जब सुबह सब उठे देखा राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, सीता नहीं, सब रोने लगे, एक दूसरे को कोसने लगे, बोलने लगे हाँ हमने सुना था जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं उनकी नींद एक कुत्ते की तरह होनी चाहिए, हम इतनी गहरी नींद में क्यों चले गए, है ना, जो सोता है वो खोता है, जो जगा रहा वो साथ में चला गया। लक्ष्मण और सीता जी जगे थे, सुमंत्रा जगे थे, वो साथ में चले गए, हम क्यों सोते लगे, सब बेचारे रोने लगे, कुछ पता नहीं चला था किस दिशा में गए हैं। और जब आगे चले तो आगे गंगा के तट पर पहुंचते हैं,
जब गंगा के तट में पहुंचने वाले होते हैं तो तभी लक्ष्मण जी वहां रहने का इंतजाम कर रहे हैं, तो दूर से देखते एक सेना आ रही है। लक्ष्मण जी तैनात हो जाते हैं, लेकिन सेना के जो सेनापति थे वो थे गुहिया। ये स्थान था श्रीरंग बेरपुर, श्रीरंग बेरपुर में एक जगह थी, हम जाते हैं अभी भी वो स्थान आते हैं। अगर अभियान जाएंगे आप अयोध्या से जाते हैं प्रयाग की तरफ तो बीच में श्रीरंग बेरपुर आता है। तो गुहिया जो था ये दशरथ जी का पुराना मित्र था, उसे राम जी का आलिंगन किया और बोले राम मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे पास हजारों नाव हैं, बहुत से मेरे आदिवासी हैं, यहाँ का मैं राजा हूँ लेकिन आपका विनम्र सेवक हूँ, मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए। मुझे मालूम चला दशरथ ने ऐसा किया, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये पूरा आपका राज्य है, इस राज्य की श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम वस्तु आपकी है। और तुरंत भगवान राम के सामने सुंदर सुंदर पकवान आ गए, ये आपकी सेवा के लिए। भगवान राम ने कहा आपका अतिथि सत्कार बहुत ही माननीय है, मेरे हृदय को छू गया, लेकिन मैंने 14 वर्ष के लिए शपथ ले रखी है तपस्वी का जीवन जीऊंगा, केवल कंदमूल स्वीकार करूंगा। आप क्या कर सकते हैं, हमारे घोड़े बहुत थके हुए हैं, इनको आप सुंदर सुंदर खिलाइए। तो घोड़ों को खूब खिलाया और सुमंत्रा भी रो रहे हैं, और लक्ष्मण और सुमंत्रा बैठे हैं आपस में और लक्ष्मण चर्चा कर रहे हैं कि मैं कैसे यहाँ पर आया। तो बता रहे हैं कि जब भगवान राम ने मुझे बोला था कि सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ तो मैं सुमित्रा के पास गया, मुझे डर था सुमित्रा मुझे आज्ञा देगी कि नहीं देगी, लेकिन जैसे ही मैं सुमित्रा के महल में पहुंचा सुमित्रा ने बोला हे लक्ष्मण समय आ गया है, सोचना क्या, तुम तो सेवा के साम्राज्य के राजा हो, तुम्हारा राज्य कोई नहीं छीन सकता। बहुत सुंदर आदेश है, हम सब जीव जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वैसे हम दास हैं लेकिन सेवा के राजा हैं। और तुम्हारी प्रजा क्या है, तुम्हारी प्रजा है तुम्हारे मन तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी इच्छाएं, इस पे राज करो और सेवा करो, कोई भी तुमसे तुम्हारा राज्य नहीं छीन सकता। और तुम राम के साथ जाओ, जब तक राम के साथ तुम जाओगे जंगल अयोध्या के समान है, राम दशरथ के समान है और सीता मैया मेरे समान है, वहां जाके उनको सुख दो। इस प्रकार से बेचारी ने फिर उसके बाद प्रभात रोते हुए उसको पूरा अनुमति दी, भगवान लक्ष्मण जी ने उनको पैर छुए उनका आलिंगन किया। अब लक्ष्मण जी के पास दूसरी चुनौती थी अपनी पत्नी को मनाना, उनकी पत्नी का नाम क्या है, उर्मिला। तो उर्मिला के पास गए, उर्मिला एक बहुत अच्छी पेंटर थी और उस दिन वो पेंटिंग कर रही थी, राम और लक्ष्मण का राज्याभिषेक हो रहा है, दोनों स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हैं, पेंटिंग पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। जैसे ही लक्ष्मण आए कुछ आहट हुई, सारा का सारा रंग पेंटिंग पे गिर गया। उर्मिला का लो ये तो अपशकुन है, देखा तो लक्ष्मण आया, बड़ी चिंता है, बोले ऐसा क्यों हुआ, बोले बिल्कुल ठीक हुआ, भगवान राम अभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। और पूरी कहानी सुना दी। अब देखिए उर्मिला जी क्या बोलती हैं, उर्मिला जी बोलती हैं पत्नी का धर्म है पति के साथ रहना, मेरा धर्म है मैं आपके साथ चलूं वन में, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपकी सेविका हूं। सेवा करने का अर्थ है जिसकी सेवा किया जाए वो प्रसन्न हो। आप कैसे प्रसन्न होंगे, जब आप भगवान राम को प्रसन्न करेंगे। अगर मैं आपके साथ जंगल में आ गई आपका मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपकी भगवान राम की सेवा में बाधा पड़ेगी। इसलिए सेवा का मतलब होता है त्याग। आपने भगवान राम की सेवा कर रहे हो, आपने अपनी इच्छाओं को अपने धन को अपने आराम को अपनी पत्नी को अपने मत को त्यागा है, और मैं आपकी सेवा के लिए अपनी अपने कर्तव्य को और अपनी इच्छाओं को त्यागती हूँ। आप जाइए, मैं राम की डायरेक्ट सेवा नहीं कर पा रही, लेकिन आप राम की अच्छी सेवा कर पाए इसलिए मैं अपनी पत्नी का धर्म त्याग रही हूँ ताकि आप राम की अच्छी सेवा कर पाए। इसको कहते हैं नियम आग्रह में ना फंसना। नियम आग्रह क्या होता है, नियमों का हम पालन कर रहे हैं लेकिन नियमों के उद्देश्य को भूल जाते हैं। उर्मिला सिखा रही है पत्नी का धर्म है पति के साथ जाना, लेकिन मेरे साथ जाने से पति की सेवा में बाधा पड़ रही है तो मैं क्यों साथ में जाऊं। इस प्रकार से वो आगे, और वहां जब जंगल में थे सुमंत्रा ने बोला मैं थोड़ा थक गया हूं मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। लक्ष्मण बोले मैं विश्राम नहीं करूंगा, लेकिन लक्ष्मण जैसे ही बैठे थे एक सुंदर सी आवाज सुनाई दी, लक्ष्मण थक गए हो विश्राम कर लो। बोले तुम कौन हो, बोले मैं निद्रा देवी हूं तुम्हें सुलाने आई हूं। लक्ष्मण बोले भाग जाओ यहां से मैं नहीं सोऊंगा। बोले प्रकृति का नियम है तुम्हें सोना ही पड़ेगा। लक्ष्मण तुरंत खड़े हो गए, धनुष निकाला,
बोले अब मैं ये वचन देता हूँ 14 वर्ष तक मैं आंख नहीं झपकूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। मैं कैसे सो सकता हूँ? जब तक भगवान राम और सीता पृथ्वी पर सोएंगे मैं नहीं सोऊंगा, भगवान के वनवास के बाद ही मैं सोने का संकल्प लूंगा। मित्र पूरी बड़ी थी, मैं कहाँ जाऊँ? बोले मेरी पत्नी के पास जाऊँ, उर्मिला के पास। तो तब उर्मिला के पास गई। उर्मिला रात में अपनी नींद का कोटा करती थी और दिन में लक्ष्मण जी की नींद का कोटा करती थी। बड़ी अच्छी सेवा मिली उसको। लक्ष्मण जी के कोठे का भी उर्मिला जी सोती थी, लेकिन लक्ष्मण जी 14 वर्ष जागृत रहे। अब गुहा जी जहाँ पे थे, अब लक्ष्मण जी ने क्या किया, राम और सीता के लिए बहुत सुंदर पत्तियों का, कोमल कोमल पत्तियों का एक बिस्तर सा बना दिया और उसके आसपास सुगंधित फूलों की एक बाउंड्री सी बना दी। तभी वहाँ पे गुहा वहाँ पे आ गए। गुहा ने बोला लक्ष्मण आप विश्राम कीजिए, ये मेरा एक इलाका है, मैं यहाँ रक्षा करूँगा। लक्ष्मण ने बोला मैं तो विश्राम करना ही नहीं, 14 वर्ष तक मेरी शपथ है। बोले अब ठीक है फिर आप रक्षा कीजिए। हुआ क्या, राम और सीता विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी राम और सीता के बाहर पूरा पहरा दे रहे हैं। गुहा ने बाद में वापस जाने के बाद सोचा कहीं ऐसा तो नहीं लक्ष्मण जी की नीयत खराब हो जाए। एक सौतेली माँ ने राज्य से बाहर भेज दिया, दूसरा सौतेला भाई साथ में आया है कि काम तमाम ही कर दे, 14 वर्ष के बाद वापस ना आए, खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, मैं लक्ष्मण पे नजर रखूंगा। तो राम और सीता बीच में सो रहे हैं, लक्ष्मण कर रहे चारों तरफ, लक्ष्मण जी को देख रहे हैं गुहा। बड़े सर्कल में घूम रहे हैं। लक्ष्मण गुहा की सेना ने देखा ये हमारे सेनापति मालिक को क्या हो गया है, कहीं इनकी नियत खराब तो नहीं हो गई, कहीं ये तो भरत जी के साथ नहीं मिल गए, तो इन पे नजर रखनी चाहिए। तो गुहा पे नजर रख रही उनकी सेना, वो तीसरे सर्कल में घूम रही है। आप देखिए कितना प्रेम है राम और सीता कैसा है, और राम और सीता आराम से विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण गुहा और पूरी सेना उनकी रक्षा के लिए चल रही है। सुबह राम उठते हैं और बोलते हैं कि अब हम सेना नदी पार गंगा पार करेंगे। तो आप जानते हैं जो गुहा होते हैं अपनी सबसे सुंदर नाव को बुलाता है, बोले आइए इस नाव में बैठिए। नाविक बोलता है बिल्कुल नहीं बैठने दूंगा। मैंने क्यों? मेरे वो केवट बोलते नहीं बैठने दूंगा, इनके बारे में मैंने सुना है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पत्थर को छूते हैं वो स्त्री बन जाती है, मेरे घर में पहली एक पत्नी उसको मैं संभाल नहीं पा रहा, यहाँ बहुत पत्थर हैं इतनी स्त्रियाँ मैं कहाँ संभालूंगा। बोले क्या करना है? बोले बस मुझे आज्ञा दीजिए इनके पैरों को पूरे शरीर से धोना है। भगवान राम समझ गए चाहते क्या है, आज्ञा दे दी। तो उसने क्या किया, एक सुंदर सा पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था, उसने थाली लाए भगवान के चरणों को रखा, गंगा जल से खूब धोया, चिलम से धोया, और धोते धोते वो सीता मैया की तरफ देख रहे हैं। कहा जाता है ऐसा कुछ आचार्य बताते हैं, जो केवट था पहले अपने जन्म में क्षीर सागर में कछुआ था। एक बार लक्ष्मी जी जब विष्णु की सेवा कर रहे थे तो विष्णु जी के चरणों के ताल होते हैं उसके लाल रंग को देख कर बड़े आकर्षित हो गए, तो कछुआ उसको छूना चाहता था, तो लक्ष्मी जी उसको भगा दिया, भाग यहाँ से कछुआ, है ना, मेरे स्वामी की मैं सेवा करूँ, डिस्टर्ब मत कर। यही कछुए की जरिए इच्छा थी कि मैं भगवान के चरणों को छूऊं, यही कछुआ केवट बन के आया, और केवट बन के वो सीता मैया जो लक्ष्मी थी उसको देख रहा, अब मना करके दिखाओ। पूरा अच्छे ढंग से साफ किया और फिर भगवान राम को बोला आप यहाँ बैठिए। और जब भगवान राम जाने लगे गुहा ने प्रार्थना की, गुहा ने बोला गंगा पार कराने के लिए मैंने आपके लिए नाव भेजी है, जन्म मृत्यु के सागर से पार करने के लिए आप भी कोई नाव भेजेंगे ना? तो भगवान राम ने कहा गुहा तुम दशरथ जी के मित्र नहीं हो, तो हमारे चौथे भाई हो। और भगवान राम ने गुहा जी का आलिंगन कर लिया। गुहा ने बोला आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान ने बोला उसकी आवश्यकता नहीं है, 14 वर्ष के बाद जब मैं वापस आऊंगा तुम्हारे साथ दोबारा से रुकूंगा, है ना, और तुम हमारे भाई हो। इस प्रकार से गुहा को लगा मुझे पूरे जीवन में इतना प्रेम कभी नहीं मिला। इस प्रकार से भगवान केवट उनको आगे ले जाते हैं, और जब केवट गंगा के उस पार लाते हैं भगवान राम सोचते हैं इसको क्या दें, तो भगवान राम अपनी मुद्रा अपनी अंगूठी निकाल कर देने लगते हैं। केवट बोलते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है, हम दोनों एक ही पेशे के हैं,
सीता माई लक्ष्मण बड़ा क्रोध आया था, कहा केवट कहा भगवान राम आज राज्य छोड़कर जा रहे तो एक ही पेशे के हो गए। बोले हाँ हम गंगा पार कराते हैं, अब जन्मबिंदु का सागर पार कराते हैं। हम दोनों एक ही पेशे के हैं, आपसे ना कुछ नहीं मिलेगा। भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं और इसके बाद वो जाते हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में, भारद्वाज मुनि उनका स्वागत करते हैं। और जब गंगा पार करने वाले होते हैं तो सुमंत्रा कहते हैं भगवान राम मेरी अब क्या आज्ञा है, अब तो रथ आगे जा नहीं सकता, रथ नहीं जाएगा, मैं आपके साथ चलता हूँ। भगवान राम ने बोला नहीं अब रथ वापिस ले जाइए, क्योंकि जब तक रथ वापिस नहीं जाएगा कैकेयी को आश्वासन नहीं मिलेगा कि आप हमें वन में छोड़कर आए हैं, आप रथ वापिस ले जाइए। सुमंत्रा बोलते हैं मैं वापिस तो जा रहा हूँ लेकिन मैं हृदय शेयर करना चाहता हूँ, हृदय बताना चाहता हूँ आपका, बहुत देख लिया मैंने ये जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना सीधे रास्ते पर चलना ये काम नहीं आता, ये दुनिया चलती है टेढ़े लोगों से, होता ना कई बार लगता है हमें से प्रभु ये सीधा सीधा काम नहीं चलना है टेढ़ा चलो ना। बोले मैंने देख लिया आपके जीवन से मालूम चला आपने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, और ऐसे आपको बोल दिया बाहर जब आप चले गए ये क्या है, ये सीधे लोगों की दुनिया नहीं है टेढ़े लोगों की दुनिया है। भगवान राम समझ गए पूरा फाउंडेशन हिल रहा है ना, हिल जाता है भक्तों में फाउंडेशन कई बार जब ऐसी घटनाएं देखते हैं। भगवान ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, और भगवान राम ने बोला हमारे शास्त्रों में ऐसे 5 मुख्य व्यक्ति हैं जिनके जीवन मुझसे भी बड़ी बड़ी आपदाएं आई लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, तो उन्हें 5 ऐसे वीरों का नाम गिनाया, राजा शिबी, रंतिदेव, हरिश्चंद्र, बलि महाराज और ददीची मुनि, इन सबका वर्णन भागवत में आता है। बोले इनके ऊपर भी ऐसी आपदाएं लेकिन जो जो रास्ता शास्त्र में बताया गया है उसको हमने पालन करना है। तो सुमंत्रा जब वापिस जाते रो रहा है और किस प्रकार से सुमंत्रा वापिस जाते हैं और कैसे भरत तक ये समाचार पहुंचता है, क्या भरत की प्रतिक्रिया होती है और कैसे भगवान राम भरद्वाज से मिलते हैं फिर चित्रकूट में जाते हैं, इसका वर्णन हम कल करने का प्रयास करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप इसे जो जाना चाहते हैं थोड़ा लेट हो जा सकते हैं और आपसे हम डिसाइड कर लेते हैं समय आप क्या रखना चाहते हैं, 6 से 8 या 6:30 से 8:30, 1.5 घंटा बहुत कम रहेगा, तो अगर आप पूछ लीजिए खड़े होकर सबसे। हरे कृष्ण। 6 से 8 जो आते हैं, 6 से 8 फिर 6 बजे में आना पड़ेगा सबको, 6 बजे कह के आते 6:30। हरे कृष्ण। कल सभी 6 बजे शुरू होगी तो आएंगे सभी। आज बड़े सुंदर गुरु जी ने बालकान और अयोध्या कांड के अंदर प्रवेश करते 50% कवर करने के लिए धन्यवाद करेंगे, बड़े सुंदर सुंदर सुनाया। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आज की फीस स्पॉन्सर है लेकिन जिन्होंने स्पॉन्सर किया उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो श्री राधा वंदन से प्रार्थना करते हैं उनको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें और उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और कल के साथ 6 बजे शुरू करने के लिए हम कितने बजे आएंगे, एटलीस्ट 10 मिनट बिफोर 6, 5:50 तक सबसे प्रार्थना है सभी आ जाएंगे। हरे कृष्णा। शील प्रपात की, संत कौन वैष्णवंद की जय, इस गृह से अपने कृष्ण रूप जी की जय। तो पंजाबी को दिखाई दे रहे हैं बीच में हर जरूर।